أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? अच्छी गुजर गई? रमजान कैसा गुजरा? कितना अच्छा गुजरा? कितने नंबर देते हैं खुद को आप आउट ऑफ 100? नहीं नहीं क्यों, पेपर करके सबको पता होता है मैंने पेपर में क्या किया। ऐसे छाड़ ही दियो ना, सबसे बेहतर हमें खुद पता होता है हमने क्या किया। कौन कौन हाथ उठाएगा जिसने पूरे रमजान में एक भी गीबत नहीं की? एक भी गीबत नहीं फरमाई आपने, उठाए हाथ। चलो, कौन है जिसने एक भी मिनट जाया नहीं किया किसी भी चीज में, जो भी आपकी एक्टिविटी, सबकी कोई एक्टिविटीज होती है, कौन है जिसने टाइम बिल्कुल जाया नहीं किया? सीरियसली नहीं पूछी मैंने, मैंने तो सब मोटे मोटे सवाल आपके सामने रखे। कौन है जिसने अपनी नमाजों को पूरे हक के साथ अदा किया है, कयामुस सला किया? सही वाला, अपनी तरह से सही थी, आगे अल्लाह की मर्जी। अपने पास ही करना है आपा, वो ते पेपर दे विच भी असी अपने पास ही लिखने हैं और टीचर ते नंबर अपने हिसाब से कट दे। कोशिश की। कोशिश की। कौन कौन है जिसने अपनी तौफीक के मुताबिक सदकात किए पूरे जिम्मेदारी के साथ? तौफीक से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जी, ये गलत फहमी से इनसे निकाल दे, जो करते हैं वो भी तौफीक मिलती है। तौफीक क्या है? पहली बात तो ये भूल जाए, तो रमजान में आपके साथ कोई शैतान नहीं होता, आपका नफ्स आपको रोकता है और अल्लाह आपको ये आईना दिखाते हैं कि असल शैतान तो तुम खुद हो, तो रमजान में कोई शैतान नहीं होता, शैतान बंद कर दिए गए होते हैं। और दूसरी बात ये भी याद रखिए, ख्याल है आपका कि आप तौफीक से बढ़कर कुछ कर सकते हैं, तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है, जो आप आए हैं, जो आपने जो कुछ भी किया है वो तौफीक के साथ है। तो ये जुमला बड़ा गलत है, आइंदा मत बोलिए। अल्लाह रब्बे करीम हम सबकी कोशिशों को कबूल करें, लेकिन ये जो सोच है ना कि आई हैव अचीव्ड 100%, ये सोच बहुत बेवकूफाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरता की उम्मीद पर नहीं आए, तो हमारी तो खैर बात ही क्या है, हम किस खेत की मूली है, तो अभी बहुत पीछे हैं जी, हम बहुत पीछे हैं। कोशिशें हैं, अल्लाह इन कोशिशों को कबूल कर ले, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता करे। और हम लोगों को खुद सोचना होगा, सबके अपने अपनी कमियां हैं, हर किसी की अपनी अपनी कमियां हैं, हर किसी को खुद सोचना है कि उससे पहले से बेहतर कैसा हो, और हर दफा ये गौर किया करें कि क्या हमारा ये रमजान पिछले रमजान से बेहतर गुजरा दीन के एतबार से, क्या हमने अपने आप को कुछ चीजों में इम्प्रूव किया। तो ये जितना ज्यादा हम गौर करेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती। अल्हम्दुलिल्लाह, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल कोशिश है, और आप हमेशा अपने आप को ये देखें कि आपने खुद को बेहतर करना है। एक और बात भी याद रखें और इस बात को भी अच्छी तरह समझ लें कि अगर आप किसी बुराई को करते, कोई भी बुराई, वो कुछ भी हो सकता है, टीवी ही ले लें चलिए, कॉमन चीज है, अगर आप रेगुलर टीवी देखते हैं, सिर्फ रमजान में आप बंद कर देते हैं, आफ्टर रमजान आप दोबारा शुरू कर देते हैं, तो ये फिर मुनाफ़त नहीं है? ये खास किस्म की मुनाफ़त है ना। तो ये जो है ना, इसको सोचिएगा, ये हमारी नॉर्मल एक तरीका है जिंदगी का,
बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, कोई भी काम कुछ भी, रमजान में जैसे नेल पॉलिश लगाते थे लोग, लगाते थे तो रमजान में उतार दूं क्योंकि नमाजा पढ़नी है, बहुत अच्छी बात है, रमजान के बाद फिर लगा ली, क्यों, रमजान तो बाद नमाजा माफ है, अब गुनाह नहीं होगा, तो ये भी मुनाफकत में आ जाता है। मुनाफकत क्या है, मैं नेक नहीं हूं मगर मैं शो करूं कि मैं नेक हूं, तो रमजान में अल्लाह शो ऑफ थोड़ी करवाना चाहते, तो रमजान असल में 30 डेज है, वो प्रैक्टिस कराई जाती है कि जिस चीज की कमी है प्रैक्टिस की वजह से उसकी आदत बन जाए, हम वो करने लगे, तो लिहाजा रमजान में जो चेंज अपने अंदर लाना है उसे मुस्तकिल रखना, इल्ला ये कि इंसान स्लिप हो जाए, एक तो है ना स्लिप हो गया, इनके छोड़ दी थी वो चीज, छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, टीवी को ही फिर ले लेते हैं क्योंकि कॉमन है ना, ये छोड़ दिया था देखना मगर बाद अज़ां गलती हो गई, या कोई जैसे वही बात है कि कहीं गए हुए थे कोई चीज देखी, कोई सीरीज का कोई हिस्सा देख लिया तो फिर शौक पड़ गया कि भाई ये सीरीज देखो तो उसमें मुब्तला हो गए, ये तो तौबा का हिस्सा है, इंसान तौबा करता है स्लिप होता है, तौबा करता है स्लिप होता है, फिर अल्लाह एक वक्त आते इस्तकामत दे देते, वो और बात है, लेकिन इस नीयत के साथ रमजान में कुछ करना या कोई बुरी चीज छोड़ना कि रमजान तो बाद में फिर शुरू कर लांगा, ये तो मुनाफ्त, यही तो मुनाफ्त, तो ये नहीं करते। जब की अल्लाह आप सबको बरकत दे, किसी एक बंदे के लिए बात नहीं है, मैं एक ओवरऑल रूल बयान कर रही हूँ कि ये ओवरऑल रूल हमें पता होनी चाहिए, ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, आज की बात नहीं है, कि रमजान में जो बिल्कुल बेनमाजी होते थे ना, रमजान में नमाज शुरू कर देते है ना, और रमजान इतने पक्के थे, अल्लाह उन पे रहम फरमाए, कहीं तो उनमें से रहे नहीं है, फोत हो गए, अल्लाह उनको बख्श दे, के रमजान की आखिरी रात के साथ, यानी ईद की नमाज होना थी, रमजान की चांद रात की नमाज उनकी पहली नमाज होती थी और ईद की नमाज उनकी आखिरी नमाज होती थी, उसके बाद नमाजा तो विले, मुझे आज तक की साइंस समझ नहीं आई, सुभान अल्लाह। तो ये एक ना मुनाफकत का कोट है, हमें लगता है कि हम नेकी कर रहे हैं, अल्लाह बहुत गजबनाक होते हैं इन बातों से, इनके अब फिर वो सवाल ये ना किसको धोखा देना चाह रहे हो, ये ऐसे है कि अस्तगफिरुल्लाह, एक मैं मिसाल दे रही हूँ कि कोई लड़का आवारा हो, किसी का बेटा या बेटी आवारा हो, और जब अम्मा अब्बा के सामने आए तो शरीफ बन जाए कि अम्मा अब्बा मुझे हैप्पी रहे, मुझे आप हुक ना करते, तो अगर अम्मा अब्बा को पता चलेगा तो वो फिर क्या कहेंगे कि तुम हमें धोखा दे रहे थे, और गजबनाक होंगे, वही मामला है कि अल्लाह पाक गजबनाक होते, तो रमजान का एहतराम जो है उसका तकाजा है कि हम गुनाह छोड़ दें, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन इसका ये माना नहीं है कि हमारा इरादा ये हो कि रमजान में हम नेक बन जाएंगे, आफ्टर रमजान हम वैसे के वैसे हो जाएंगे, पूरी नेक नियति के साथ इस्तिगफार करें और अल्लाह से हम ये दुआ मांगे रमजान में अपने लिए खसूसियत से कि अल्लाह हमें इस्तकामत दे दे नेकियों पर, फिर अल्लाह इंशाल्लाह जरूर देंगे, और बाद में कोई गलती हो जाए तो फिर उसे दोबारा दुरुस्त करें, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें इस्तकामत मिल जाए, तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जो हमसे मिस हो जाता है। माशाल्लाह दोहरा कुरान सबने किया, तो क्या चेंज अपने अंदर पाया, इनके जाहिर कुरान रिवाइज हुआ ना सारा, तो कौन कौन से पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर किस किस ने पाए और कौन सी चीज है जिसमें पाया कि नहीं ये तो मेरी अभी नहीं जा रही, कोई चीज पाई है थी? तो कुरान ने मैंने तो ये सवाल ही नहीं किया, मैंने सवाल ये किया कि आपको कोई ऐसी आदत मिली कुरान की बयान करता जो अच्छी नहीं है, बुरी आदत में से है, मुनाफिकों की जालिमों की आदतों में से है, और आप लोगों में वो आदत अभी मौजूद है, ऐसी कोई आदत मिली? जी आप क्या कह रहे हैं? एक पंखा बंद करते हैं। हाँ जी, हिला दे दा।
ہزاراں عبرت حاصل ہو بے شک کہ عالم دا کام ہی نہیں گا باقی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ستو عالم جنہ جنہ ہوئی تھے حق بند ہے کہ جو سورت نور دے وچ ہزار حاضرین سارا کچھ لکھا ہوا ہے میں تو صرف 2000 ایتاں پڑھ کے میں گھوم گئی سا میں اج ہر بندے نوں جان کے پاوے جس طرح مرضی میں جدوں دس وی نا کہ اے چیز تسی صرف ایک سورت نور پڑھ کے دیکھو تے پوری نہیں پڑھو شروع دا پہلے ایک چند آیتا پڑھ لو پھر ایک ایک اللہ تعالیٰ نے زارا کر کے نہ کرنے کرو اور نہ ترس کھاو کسی کے سزا دو یا کہ عالم دا کام نہیں کہ دسنا عالم کا کام نہیں پتوا لگا رہا کہ فلانے نے ایسا کیتا تے اینو سزا ہونی چاہیے ہاں کوئی ہے ساڈے وچ ایسی میں تو کہنی سی یہ ہو گئی سارا نہ بھی بڑھ گیا ہے اس اس جس طرح دے گل کہ اللہ تعالیٰ جی قرآن والے نہیں کسی کو رجی کرتے پھر بھی کہ ادھر کرو ادھر دیکھو کہ یہ قرآن کی کہہ گیا یہ عمل بھی تو کرو نا پر کوئی بھی نہیں میں تو ایک عالم کو کسی مولوی کو نہیں بھی کر کہہ سکتی کہ وہ تو صحیح ہے آپا اصل میں جڑا جڑا اصل مسئلہ ہے وہی مسئلہ ہے جو اللہ دے حکم نے رمضان تو پہلے اسی آخری ربا پاڑے تھا پہلے پارے دا تے اودے چ اوہی گل ڈسکس ہو رہی سی اور میں اوہی گل تانوں کہہ رہی سا کہ کوئی عالم اس وقت پاکستان دے وچ عبادت دے وچ چند ایک گنے چنے لوکاں نوں کڈ کے جنہاں نوں کوئی سندا ہی نہیں انہاں نوں کڈ کے تاڈے جنے مشہور مشہور عالم نے کوئی قرآن دا وفادار نہیں ہے کوئی اسلام دا وفادار نہیں اپنے اپنے فرقے دے وفادار ہے ایتھے حنفی بیٹھے نے ایتھے شافی بیٹھے نے ایتھے حنبلی اور مالکی بیٹھے نے ایتھے بیٹھے نے اہل حدیث ایتھے بیٹھے نے سلفی ایتھے بیٹھے جے شیعہ سنی مسلمان وہ کتھے نے کتنے بھی نہیں اپنے اپنے فرقے دے وفادار نے سارے جڑے اے لوک نے انہاں نوں امداد آندی ہے امریکہ تو برطانیہ تو ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਫਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੱਸਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਅਭੀ ਆਪਾ ਸੂਰਹ ਨੂਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਹ ਨੂਰ ਕੇ ਦੋ ਮੌਜੂਆਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਪ या इलीगल रिलेशनशिप दोनों के अहकाम अलग अलग है इलीगल रिलेशनशिप जब तक पकड़ी नहीं जाएगी गवाही नहीं होगी तब तक सजा नहीं होगी रेप का कानून अलग है रेपिस्ट को फौरन सजा मिलेगी नहीं मिलती दूसरा इसका लॉ जो है वो सोडोमी सोडोमी है यानी हम जिंस परस्ती सदूम नाम था ना बस्ती का इंग्लिश में से सोडम कहते हैं उसी से सोडोमीज का नाम रखा بندے کا بندے کے ساتھ بدفعلی کرنا یہ سب سے زیادہ کہاں پر ہوتی ہے یہ فعل سب سے زیادہ کہاں پر ہوتا ہے پاکستان میں نظر آنا ہوتا ہے پاکستان میں کہاں پر ہوتا ہے سب سے زیادہ تاڑے مدرسے اچ جڑا تھا لو کہندی ہمت نہیں پیندی کیونکہ بچے ڈے سکالر نہیں نا ہوندے اوتھے رہندے نے لڑکے وہاں رہتے ہیں نا اور بالکل غریب گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ چلو بچہ مدرسے رہے گا پڑھے گا تو پڑھے گا روٹی کا بوجھ بھی سر سے تو اتر جائے بالکل غریب گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں اور وہ ملازموں سے بھی نچلے لیول پر جو ہے نا خادم ہوتے ہیں مولویوں کے ان سے گھروں کے بھی کام کراتے ہیں سارا کچھ کراتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ معاملات جو ہے نا یہ مدارس میں ہوتے ہیں اور یہ میں ایگزیجریشن نہیں کر رہی امام ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اس وقت 700 سال پہلے کہ کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں کے جو استاد ہے وہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو تو اپنے بچوں کو ان ظالموں سے بچاؤ اور ان کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑو میرے کہنے پہ تو نہیں لکھا تھا نا ابن کثیر نے یہ اس وقت بھی ہو رہا اور یہ ہر اس جگہ پر ہوگا جہاں پر بچوں کو ان پر چھوڑ دیا جائے نیچرل ہے نا یہ چیزیں نیچرل سے مراد کیا ہے کہ شیطان کا اس فتنے میں پھنسانا نیچرل اب بات یہ ہے یہاں پر آئے دن یہ مسائل ہوتے ہیں آئے دن یہ مسائل ہوتے ہیں اور ان کو دبا دیا جاتا ہے تو ابھی رمضان میں مجھے بہت تکلیف رہی ہے رمضان میں یہ فیصلہ آباد میں
अबू बकर मुआविया एक आलिम है तो वो जालिम, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे वाले हदीस है, उसने एक बच्चे के साथ ये हरकत करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचाना था बचा ली। वो बच्चा पढ़ता नहीं था, वो पढ़ चुका था, और इतना मुझे अफसोस हुआ। मैंने वो पूरी FIR पढ़ी जो उसके खिलाफ कटवाई गई थी, मैंने खुद पूरी FIR पढ़ी कि बच्चा ये जहां से इसका कहीं तबादला हो गया हुआ था, ये वहां मिलने के लिए आए हैं, यानी अपनी किसी सिलसिले में। तो बच्चे को पता चला, बच्चा पढ़ चुका था, वो उस्ताद से मिलने के लिए आया। कुछ देर बाद बच्चे का बाप आया, तो वो हजरत जो थे वो बेलिबास थे, और बच्चे को भी किया हुआ था और उससे खुद को दबवा रहे थे। अब जाहिर बात है बाप आ गया, उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, ये गन पॉइंट पर उनको लेकर खुद भाग गया। उससे जब बाप ने जाकर रिपोर्ट कर दी, गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया, केस हुआ। इब्तिसाम इलाही, कितना बड़ा नाम है अहले हदीस का, ये उठकर गए हैं और इन्होंने जाकर बच्चे के बाप से मिलकर उसको प्रेशराइज किया है और उसने केस वापस करवाया है। बच्चे के बाप का बयान मैंने खुद सुना है कि उसने कहा कि जो मेरे बेटे के साथ इसने किया, मुझे उसकी बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं आलिमों के लिए, मैं अपनी जमात के लिए, मैं कुरान की इज्जत के लिए इसको माफ करता हूँ। उस बंदे के अल्फाज पर उसका चेहरा नजर आ रहा था कि उसके सामने कितनी मिन्नतें की गई। इब्तिसाम इलाही को जेब देता था, इतना बड़ा नाम है, खुद जाकर कहते हैं कि इसको सजा दो। किसी की जरूरत ना हो। लेकिन बात क्या है, बात यह है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, उधर हम जब दोरे कुरान में कहा था, और बाद में मुझसे राबिया ने गिला भी किया, अहले हदीस है ना वो, कि मैंने कहा था कि अहले हदीस फिक्र बहुत अच्छी है, पर अब अहले हदीस भी फिरका बन गया पाकिस्तान में, तो स्पेशली बन गया, और जो खराबियां दूसरे फिरकों में है वही इसमें आ रही हैं। और सबसे ज्यादा गुनाह का बोझ अहले हदीस के सर पर पड़ना है, क्योंकि अकायद में लोग सही हैं, ये जानते हैं फिर भी कर रहे हैं। बहुत मुझे अफसोस हुआ। और अबू बकर मुआविया निकला है, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उसके लिए आप जनाब का लफ्ज इस्तेमाल करूं, और कहता है इनकी बेल पर आया है, तो निकलकर पहली बात क्या कहता है, मैं तो अल्लाह के नबी की नामूस के लिए और सहाबा की शान के लिए काम करता रहूंगा, तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें शर्मिंदगी भी नहीं है इस बात की। और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ इस बात का कि इब्तिसाम इलाही जैसा बड़ा नाम और बड़ा आलिम क्यों गया है उसकी सपोर्ट के लिए। क्या अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म नहीं दिया, वला तकुन लिल खाइनीना खसीमा, खयानत करने वालों की हिमायत में झगड़ा मत कीजिएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी गुनहगार होगी मैं उसका भी हाथ कटवा दूंगा। क्या करना चाहिए था इन्हें, खुद सजा दिलवानी चाहिए। और बात ये कि एंड तक ना उसके बाप ने बयान बदला है, उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उसको कितना मजबूर किया। ये है जी ईमान इन लोगों का। और क्या सजा है सोडोमी की, सोडोमी की सजा ये रखी गई है कि जो इस फेल में हो उसको उस इलाके की सबसे बुलंद इमारत से नीचे फेंका जाए, और अगर वो बच जाए यानी मरे नहीं, तो उसे पत्थर मार मार कर वहां पर मार दिया जाए। देना ये सजा, मैं देखूं फिर कैसे करते हैं। इतने तकलीफ की बात है, मुजफ्फरनगर में इतने, मुझे तीन इन चीजों ने इतना रंज दिया, मैं इतना एतकाफ मेरा दर्द में गुजरा, मैं फोकस उस तरह नहीं कर पाई। मुजफ्फरनगर में माँ ने उसके अपने बेटे को, 13 साल के लड़के को कहा, तुम 13 साल के हो गए, अब तुम नमाज मस्जिद में पढ़ो, और बच्चे को तैयार श्यार किया, खुशी से मस्जिद भेजा, बच्चा वापस नहीं आया। घर वाले ढूंढते रहे, सुबह के करीब उनको बच्चे की लाश मिली और उसकी गले में रस्सी डालकर गला घोट के मार दिया गया। पुलिस केस हुआ, बच्चे की रिपोर्ट आई तो पता चला कि दो लोगों ने उसके साथ बदफेली की है, लवातत की है, उसके बाद गला घोट के मार दिया। अब ये पता गवाहों से मिल गया कि बच्चा मस्जिद गया है, तो जाहिर है जो हुआ मस्जिद में हुआ ना, मस्जिद वालों ने किया ना, अब वो लगे हुए हैं पकड़े जाए। अल्लाह, मैं तो, मेरी तो दिली दुआ है, मैं तो वहां भी दुआ करती कि पकड़े जाए, इनको सजा हो, और ये 7-7 साल की सजा ना हो। वो असल में देखें, ये आलिमों का काम है ना, जो आप कह रही है, पाकिस्तान में जो लॉ चल रहा है वो ब्रिटिश लॉ चल रहा है, ब्रिटिश लॉ के तहत 7 साल की सजा वो तो मिलती है, पीछे भी एक बंदे को मिली थी, लेकिन
अदालत तो वही देगी, लेकिन ये तकाजा तो उलमा को करना चाहिए कि ये सजा मत दो, वो सजा दो जो बनती है, जो इस्लाम ने दी है। बगैर कैसे करेंगे? ये जो जिना की सजा पर भी इसरार इसीलिए नहीं करते, जिना की सजा नाफिज होगी तो सोडोमी की भी नाफिज होगी ना, लवातत परस्ती की भी, तो फिर ऐना अद्यान जाते यही हाल होएगा। यही बात इनको रोकती है, ये जालिम है सारे के सारे, ये आलिम कहलाने के लायक नहीं। तीसरा वाकया जो है वो भी बहुत तकलीफ दे था, इस्माइल डेरा इस्माइल खान में एतकाफ बैठे हुए 38 साल के बंदे ने 13 साल के लड़के के साथ, वो भी एतकाफ बैठा हुआ था बच्चा, ये फेल किया। और मैं इतनी तकलीफ में आई ना कि खुद भी एतकाफ बैठा हुआ है, वो बच्चा भी एतकाफ बैठा हुआ है और हालत रोजा में है, और ना उसे अल्लाह का खौफ हुआ ना उसे बंदों का खौफ। वो तो अल्लाह का पकड़ा खौफ गया, है उसके बंदों का खौफ क्या हो गया? वो तो पकड़ा गया। लेकिन मुझे आप बताएं, आप मुझे बताएं, जो आप मुझे कहती हैं कि एतकाफ मस्जिद में होना चाहिए कि नहीं, बंदों का नहीं किया जा सकता, आप औरतों की बात करते हैं मुझसे। आप बताएं मुझे, इस दफा एतकाफ के दौरान 3 खवातीन मुझसे आकर मिली इसी मौजू पर कि हमें मस्जिद में नहीं एतकाफ करना चाहिए। मैंने कहा जी नहीं, लेकिन यही बात मेरे सामने उसी दौरान आई, यानी कि तीसरी खातून जब मिलकर गई तो मैंने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार की। मैंने कहा अल्लाह अगर कहीं मेरी राय में गलती है तो मुझे माफ कर दे, पर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी कोई मिसाल नहीं मिली। और जितना मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर समझती हूँ, आपने तो नमाज अलाउ नहीं की, अगर आज का हद होता तो आप तो हमारे घरों से निकलने पर पाबंदी लगा देते, मुझे तो यही समझ आती है। तो फिर ये बातें एक एक करके 2 दिन में सब मेरे सामने आया, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी राय में सही हूँ। लड़कों को भेजने का हाल नहीं है, 13 साल का लड़का कोई बहुत छोटा बच्चा नहीं होता, लेकिन आप देखें, और उसके साथ उसने ये फेल कर लिया। हाँ, उसके शोर मचाने से पकड़ा गया, अब मुझे बताएं, वो तो बदबख्त पकड़ा गया, सजा होगी जो होगा, उस 13 साल के बच्चे का क्या कुछ, वो कैसे नॉर्मल हो? हल बताएं। तो जहां ये सूरत हाल हो वहां पर ये आलिम आकर कहेंगे सजाएं दो, इसीलिए सबसे सख्त सजाएं कयामत के दिन उलमा के लिए। ये सारा बिगाड़ आलिमों की वजह से आता है, इनकी खामोशियों की वजह से आता बच्चा जो मस्जिद में रमजान रोजा मस्जिद एतकाफ, अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये भी देख ले कि शैतान बंद है, अब उलमा कह रही है जो लेकिन जी सबसे पहली बात ये है, यहाँ रुक जाए, पहली बात तो ये है कि ये मसला जो है ये कोई नया मसला नहीं है, ये याद रखिए, ये नया मसला नहीं है, इस मसले को सिर्फ हमेशा दबाया गया है। इस मसले को नहीं कि मीडिया, क्या मीडिया का इसका कोई कोई रोल नहीं है, मीडिया को तो मस्जिदों में एंटर नहीं होने देते। यहाँ पर आपके आपके नाम निहाद आलिमों ही का किरदार है, मैं पर्सनली उन लोगों को जानती हूँ जो इन बातों को दबा देते हैं, ये कह करके हमारी मस्जिद बदनाम होगी, मत कहना मत कहना मत कहना, क्यों बदनाम होगी मस्जिद, उठो और सजा दिलवाओ, आपकी मस्जिद नेक नाम हो जाएगी, लोग कहेंगे इतने अच्छे लोग हैं कि इनकी मस्जिद में एक बंदे ने एक उस्ताद ने ऐसी गलती की तो उन्होंने सजा दिलवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी पर पर्दा नहीं डाला, जब वो एक सहाबी था ना, ताहरी बात है, फजर की नमाज पढ़कर खातून जा रही थी तो फजर की नमाज पढ़ के जाते हुए नमाजी में से एक ने उसके साथ रेप किया, तो सहाबी था ना वो, और पकड़ा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फौरन संसार करवा दिया, आपने तो नहीं कहा कि नहीं नहीं गाल दबा लो, लोग ही कहेंगे कि अच्छा ए मुसलमान रेपिस्ट भी होंगे, नहीं पता चला कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और कोई सवाल कोई जवाब नहीं, वो पकड़ा गया उसको उसी वक्त संसार कर दिया। तो लिहाजा ये करें, ये इसमें ये गंद बड़े सालों का है, बड़े सदियों का है, इसको सिर्फ अंडर द कारपेट कर दिया जाता। तो पहली बात तो ये है, सबसे अच्छा तो ये है कि बच्चों के लिए कारी घरों में लगवाएं,
उसके बाद अगर आप मस्जिद में भेजते हैं तो बच्चों को सिर्फ डे स्कॉलर बनाए, सुबह जाए शाम को घर आ जाए। स्कूलों में ये सब क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता ना, बच्चे सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। फिर एक और चीज ये है कि हमारे बच्चे स्कूलों में जब जाते हैं तो उस्तादों से पढ़ते हैं, उनकी खिदमत नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट चेंज करें। ये जो यहाँ पर है ना मदरसों में, मैंने खुद देखा है, जो आपके करीब भी यहाँ एक दो मदरसे हैं, वो घरों उनके घरों के फर्श धो रहे होते हैं, उनके घरों के पानी भर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? उस्तादों को दबा रहे होते हैं। क्यों दबा रहे होते हैं? आपकी अगर स्कूल में उस्ताद कह दे कि मेरा बाजू दबा दो तो आप माइंड करेंगे ना? करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर मेरी बेटी को उसकी फीमेल टीचर भी कहती है कि आके मेरा सर दबाओ, भाई क्यों? गोली खाओ, सर दुख रहा है, क्यों मेरी बेटी से दबवाया? मुझे क्या पता उसकी नियत और इरादा क्या है। तो यही बात यहाँ पर भी है, पढ़ें और दूर से पढ़ाएं जैसे उस्तादों को पढ़ाना चाहिए। हम इन चीजों को जो है ना वैल्यू नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे अच्छा ये है कि घरों में लगवाएं, अपनी निगरानी में पढ़ाएं। उसके बाद अगर आपने मदरसे भेजना है तो डे स्कॉलर बस, और रहने के लिए कभी ना भेजें। ये इन चीजों पर अमल करेंगे ना फिर। और तीसरी चीज ये है कि उसको भी उस्ताद ही माने, उसको मालिक ना मान ले अपने बच्चे का। लेकिन मदरसों का मसला ये है कि यहाँ पर ज्यादातर वो बच्चे हैं जो इंतहाई गरीब तबके से हैं, उन बेचारों को ये होता है कि चलो इनकी रोटी पूरी हो जाएगी, और वो इतने गरीब होते हैं कि वो आवाज उठाने की ताकत भी नहीं रखते। उनको ये कभी प्यार से और कभी डरा कर चुप करा लेते। ये गंद बहुत अरसे का है, उसके ऊपर कारपेट डाला गया। अब इसको बयान में क्यों कर रही हूँ? दो रीजन से, एक से ज्यादा रीजन है। पहली रीजन तो जो आप लोग हर वक्त मुझे पूछते रहते हैं ना, औरत मस्जिद में इतकाफ ना करे, खुद फैसला कर। बच्चा 13 साल का पढ़ने गया है, पहले दिन कत्ल कर दिया गया। 13 साल के बच्चे का मस्जिद के अंदर जो है रेप कर दिया गया। कहाँ बेटियां भेजेंगे, कहाँ बेटियां छोड़ेंगे? मैं तो नहीं छोड़ सकती। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ऑल्दो मैं तो ये मानती नहीं हूं कि औरत का मस्जिद में इतकाफ कोई हकीकत है इस्लाम के अंदर, लेकिन कहाँ से आप ये सब चीजें नमाज की करेंगे? इजाजत और नहीं वो भी नफली चीज है। है। दूसरी अहम बात यह है इसके अंदर जो समझने की है कि क्यों हमारे नाम निहाद आलिम कवानीन इस्लाम के नाफिज कराने पर जोर नहीं देते। ये सबब इन लोगों को सबसे पहले खुद इन्होंने पकड़े जाना, ये सबब। आपने बताया ना कि और तीसरी बात यह है कि मदारस जो है ना वो बाकायदा ऑर्गेनाइज होने चाहिए हुकूमत के तहत, जिस तरह स्कूल ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ हर किसी ने अपना मदरसा बनाया हुआ है और उस मदरसे को अपनी मर्जी से चला रहा है, और वहां जो गंद ये चाहे वो घोल रहे हैं, कोई पूछने वाला है। कोई तरबियत नहीं करते ना, मदरसे के बच्चों को बोलने की तमीज होती है ना मदरसे के बच्चों को बैठने की तमीज होती है। और आप एक चीज नोटिस करें, फिर मेरी बातें सबको बुरी लगती है। आप जरा ये जो दरसे निजामी का कोर्स होता है इसका पहले साल का निसाब लेकर देंगे, पहले साल के निसाब के अंदर क्या होता है? गधे के साथ बदफेली करने की सजा, कुत्ते के साथ बदफेली करने की सजा, बिल्ली के साथ बदफेली करने की सजा, डेड बॉडी के साथ बदफेली करने की सजा, फुलाने के साथ। ये आप पहले साल में क्यों पढ़ाते हैं? क्या तकलीफ है? आखिरी साल में भी तो पढ़ाया जा सकता है ना। आप हदीस की किताबें खोलें तो पहले चैप्टर क्या मिलते हैं? किताबे ईमान। दूसरा चैप्टर होगा किताबु तहारा। तीसरा चैप्टर होगा किताबु सलाह। ये सारे चैप्टर एंड पर जाकर ना, आखिर में जाकर ये मौजू आता है जिना वाले। अब आप देखें कि एक बच्चा पढ़ने बैठता है 10वीं का बच्चा, उसको ये सब क्यों पढ़ाते हैं पहले साल में? स्कूल के बच्चों को इन बातों का नहीं पता होता। अब थोड़ी बहुत उनको नेट से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मिल जाए, स्कूल के बच्चों को नहीं पता होता। मदरसे के बच्चों के दिमाग ये खराब कर देते हैं पढ़ा पढ़ा, और इन चीजों को वाजे कर करके क्यों पढ़ाते हैं? ये ऐसा कोर्स क्यों डिजाइन किया गया? वैसे तो बड़ा शोर मचाते हैं यूरोप पर कि वो सेक्स एजुकेशन देते हैं, खुद ये क्यों गंद घोल कर बैठे हैं? और उठा कर देख लें, उठाएं दरस निजामी का कोर्स, देखें पहले साल का कोर्स, ना हो तो आए मुझे पकड़। और वो मसले पढ़ाते हैं जो होते भी नहीं है। गधे के साथ बदफेली, मुर्दे के साथ बदफेली, जहनों में डालते हैं, जहनों में डालते हैं। तो ये क्या है? और रह गई ये वाली बात कि जी पढ़ाई गर्म है तो इस वजह से तो मत पढ़ाएं, जाएं दफा हो जाकर किसी समंदर में डूबते मर जाए। सब बेकार बातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र पढ़ाया, अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इन जैसे जाहिल लोग ही कह सकते हैं।
अभी अबू बकर माविया जो है उनकी बीवी चली गई ना छोड़कर, बहुत अच्छा किया उस औरत ने, कभी वापस ना आए। वाली बच्ची की तस्वीरें वायरल हो गई मस्जिद में जो क्या लास्ट ईयर हुआ था जी, आप क्या कह रही थी? नहीं देखें जी, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहदे नबी में था, लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, किसी को मिस यूज नहीं करते थे। सहाबा अपनी मोहब्बत से ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम करते थे। अनस भी तो ऐसे ही थे, अनस की वालदा छोड़ नहीं गई थी कि अल्लाह के नबी ये मेरा बेटा है अनस, मैंने इसे आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, आपने रख लिया था। और खवातीन भी आती थी, हजरात भी आते थे, आपके मुख्तलिफ काम कर देते थे। अम्मा आयशा कहती है, खुद कहती है, अंसार की औरतों पे अल्लाह रहम करे, मैं जब ब्याह करे मुझे तो रोटी पकानी नहीं आती थी, खबर अंसार औरतें आती हैं सुबह शाम रोटी पका जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर खवातीन आकर काम कर देती थी, वहां तक ठीक है, वो और बात है, वहां पर कोई खतरा नहीं था, वहां पर किसी के साथ ज्यादती नहीं होती थी। और नबी की खिदमत करना तो शरफ है। अब रह गए आलम, पहले आलम बने तो सही, जालम के मर्तबे से उठे तो सही, वो जो जालम के मकाम पर बैठे हैं वहां से उठकर आलम पर आए तो सही, और खुद मना कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो हम काम कर रहे हैं वो भी खिदमत कराकर दुनिया में बराबर कर लेना। ये तो बदला हो गया ना, हमने पढ़ाया तुमने खिदमत की, मामला बराबर, मत कराएं, बिल्कुल ना कराएं, बिल्कुल कोई काम किसी से ना कराएं। जो हमने काम किया हमें उसका अजर अल्लाह करीम अता करे। और दूसरा सबब यही है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो आपका घराना था, वो और मामले थे भाई। अल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुनिया में सबसे अफजल कौम अरब है, अरबों में सबसे अफजल कबीला कुरैश है, कुरैश में सबसे अफजल घराना बनी हाशिम है, बनी हाशिम में मैं सबसे अफजल हूँ और उसके बाद मेरे खानदान वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैर खुम के मौके पर कहा, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताब और दूसरा, बोले बोले नहीं। मेरी औलाद, मेरे अहले बैत। हाँ ये नहीं आपको पढ़ाते ना, बुखारी की हदीस है, फिर भी नहीं पढ़ाते। वो आपने हज के मौके पर कहा था, किताब और सुन्नत। उदैर वहीं से हज से वापस आ रहे थे, तो उदैर खुम के मौके पर मुकाम पर पड़ाव किया था, लोग जमा हुए, जाहिर बात है साथी भी थे बहुत सारे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और आपने कहा, लोगों दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा मेरे अहले बैत। और फिर अली का हाथ पकड़ा और कहा, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला अली है। ए अली, अल्लाह अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत रख, जो अली से नफरत करे तो उससे नफरत रख। ये नहीं पढ़ाते आपको ना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगो मुझसे मोहब्बत, उसी वक्त सबके दरमियान अली का हाथ हाथ में पकड़ा हुआ था और ऐसे बुलंद किया हुआ था, और आपने कहा, लोगों मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की वजह से, और अली से मोहब्बत करो मेरी वजह से, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी वजह से, और मैं तुम्हें अपने अहले बैत के हक में वसीयत करता हूँ खैर की। और 3 बार ये बात दोहराई, ए खैर की थी, हजरत अली को भी शहीद कर दिया। चलो वो तो बात हमारे सरसठ अली खारजियों ने मारा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के साथ क्या। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की एक खास फजीलत है, जिसको बुरा लगता है जाके तत्ते तवे ते बह जाए, वो फजीलत है, अहले बैत की फजीलत है। लिहाजा कोई हजरत फातिमा की खिदमत करता था जाकर, कोई हजरत अली की या उनके बच्चों की खिदमत करता था, उनको उनको अल्लाह ने ये मकाम दिया था। होड़ वाले आलम, ए पहले तो आलम कहलाने के लायक नहीं है, जालिम है ये, और दूसरी बात वैसा अखलाक लेकर आए ना, वैसा किरदार लेकर आए, कहाँ है वो अखलाक व किरदार? मुझे इस कदर गम है ये अबू बकर मुआविया वाले केस का, इस कदर गम है कि आप देखें उस बच्चे के, उसके बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो बच्चा अपने उस्ताद से कितना प्यार करता है, तो उसका उस्ताद आया है तो वो अपने बाप से कह करके, FIR में रिपोर्ट है सारी, कि उसने अपने बाप से कहा कि मेरे कारी साहब आए तो मैं मिलकर आता हूँ, बस अल्लाह ने बचाना था उस बच्चे को। और आप सोचें कि उस बाप के दिल पर बाप भी आया कि अच्छा मैं उसको ले भी आता हूँ, कारी साहब को सलाम भी कर रहा। मुझे बताएं उनके दिल पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उन्होंने ये सारा सीन जो है वो मुलाहिजा किया हो। मिलने गिरे।
अब आप मुझे बताएं, इस तरह के लोग होंगे तो ये चाहेंगे इस्लाम का कानून नाफिज हो, क्योंकि अव्वल तो इनको सजाएं नहीं मिलती, और अगर पकड़े जाए तो 7 साल की सजा मिलती है। 7 साल की सजा का मतलब समझते हैं? 7 साल की सजा का मतलब 3.5 साल की सजा है, क्योंकि ब्रिटिश लॉ के मुताबिक जेल में 12 घंटे का दिन है। सारा रहम उनको जालिमों पर है ना, याद रखिएगा, जालिम पर रहम करना मजलूम पर जुल्म करने के मुतराद। लेकिन ये बात सिर्फ अल्लाह का कानून बताता है, तो 3.5 साल में ये बेहया बाहर आ जाते हैं। वो सब बात की बातें हैं, अगर पूरी सजा मिल रही है, हम तो आइडियल बात करते हैं कि अगर पूरी सजा मिल रही है तो ये होगा। तो ये डिमांड होनी चाहिए कि इस्लाम का कानून नाफिज हो। ठीक है, अभी आप पूरा नहीं कर पा रहे, आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं, सजाएं इस्लाम की नाफिज कर दें। रेप की सजा स्टोनिंग होनी चाहिए, ये सोडोमो की सजा भी स्टोनिंग ही है एक तरह की, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो इनके जैसे अगर लाहौर में एक बंदे ने किया तो उसे मीनारे पाकिस्तान, सबसे ऊंची बिल्डिंग है ना, मीनारे पाकिस्तान से फेंका जाएगा, अगर बच जाए तो पत्थर मार मार के मारा जाए, सजा है, बाकायदा ही सजा है। ये बुखारी मुस्लिम में बयान हुआ, और ये देखा जाए रजम से भी बुरी सजा है। और दूसरी बात, इनको सजा ये दी गई थी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहले इनकी बस्तियां परों पर लेकर ऊपर से उलट दी थी, और उसके बाद इन पर पत्थर बरसे, तो यही सजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए रखी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर फाइलो मफूल दोनों की रजामंदी से हो, दोनों को सजा मिलेगी सेम, और अगर जो मफूल है उसके साथ जबर किया गया तो उसे सजा नहीं मिलेगी, फिर सिर्फ फाइल जो है उसको मिलेगी, और जो है यही सजा होगी, और एलानिया दी जाएगी, मुसलमान मौजूद होने चाहिए। 4-5 लोगों को सजा मिली हो ना, सारे ठंडे हो, सबको अपनी गर्दनें याद आ जाएंगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी की जरूरत नहीं लगे, तो ये बात वैसे भी मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। लोकल लेवल पर भी ये बात इल्म में आई, और फिर नेशनल लेवल पर भी आई, और मैं सच्ची बात है बहुत दुखी रही, बहुत ज्यादा दुखी रही, नहीं अभी भी दुखी हूं। और दूसरा वही मैंने जैसे आपसे कहा कि एहतकाफ मस्जिदों का हाल देखिए, असल में मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, पर अल्लाह के घर कितने हैं यहाँ पर? यहाँ तो बंदों की बनाई हुई मलकियतें हैं, उनका जब दिल जाता है ताले लगा देते हैं। अभी इवन हमारे ये करीब ही एहतकाफ होता है मस्जिद में खवातीन का भी, तो वो मेन से दरवाजे लॉक कर देते हैं, अंदर से भी जाना बंद कर देते हैं, सिर्फ इंतजामिया जा सकती। भाई ये क्या तरीका है, क्यों लॉक करते हैं? और बैठी भी खवातीन हुई है, वो जी हिफाजत के लिए, लोगों से हिफाजत तो आप करेंगे, आपसे हिफाजत कौन करेगा? इतनी खवातीन की जिम्मेदारी आप कैसे लेते हैं, किस बिना पर लेते हैं? कौन सा आपने सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है? आपके अपने जो लड़के वहां घूमते हैं, जो आपके मदरसों के लड़के घूमते हैं, जो आपके मौलवी हजरात घूमते हैं, और वही बात है, बाहर से भी ताले हैं, अंदर से भी कोई आ नहीं सकता, बंद कर देते हैं खवातीन की साइड ना, तो जो आपके अपने को अलाओ है आना, ओना भी तुसी कसम चुकी हुई है फरिश्ते ने। मैं तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए मैं कहती हूँ आफरीन है, सल्यूट है उन माओ को जो 10-10 दिन अपनी बेटियां वहां छोड़ आती। फोन भी नहीं रखना, फोन भी घरों में छोड़ कर आओ, फोन भी नहीं है, किसी को आना भी अलाउ नहीं है 10 दिन 10 रात के लिए। आपके लोग फिरते रहे, वो इजाजत है, वो जो इंतजामिया है वो चेक करने के लिए आती, पता नहीं किस कौन से इन लोगों के एतकाद जुड़े हुए हैं जो ये इतना भरोसा कर सकते हैं। मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो अपनी जो मेरी करीबी ये मेरी बहुत करीबी हमसाइयां हैं, मैं इनके घर ना ऐसे छोड़कर जाऊं, यानी इस तरह से ना छोड़कर जाऊं कि कहीं मैं तो नहीं हूं, तो मैं लॉक कर देती हूँ, तो मेरे बेटे हैं मेरी बेटियां हैं, मैं तो नहीं छोड़कर जाऊंगी, 1 लाख उनकी बेटियां भी हो मैं तो नहीं छोड़कर जाऊंगी, तरीका ही नहीं है ना। खुद मौजूद हो वो बंदा जिस पर आप बराह रास्त एतबाद करते, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को मस्जिद में इतकाफ की इजाजत नहीं, हालांकि सहाबा थे ना सारे और सहाबियात थी, लेकिन आपने अलाउ नहीं किया मस्जिद में इतकाफ करना खवातीन को, तो अब क्या कहानियां बनाई हुई है? आपने कहा था कि कर सकते हैं, आपा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने जमाने में मस्जिद में एतकाफ का अलाउ नहीं किया था, और ना ही हमें कोई सिंगल एग्जाम्पल यानी मिसाल मिलती है कि मस्जिद में एतकाफ हुआ, पर आपने हुरमत का हुक्म नहीं दिया, बस इतनी बात है। हाँ, हुरमत का हुक्म नहीं दिया, लेकिन आपने अप्रिशिएट भी तो नहीं ना किया। आपकी बीवियों ने खैमे लगाए तो आपको इतना गुस्सा आया कि आपने कहा, तुसी आपके अल्फाज, आपने कहा तुम लोग एहतिकाफ कर लो, मैं नहीं करता, इतना गुस्सा आया। तो आप ये कहते हैं कि उस जमाने में एक कमरा था, इस वजह से। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस जमाने में खैर कितनी थी। और अब के हालात देखें आप। वो कहते हैं इसलिए वो मना करो, एक ने दूसरे को देखा, देखी लगाया, किसी ने लगाया तो ना भी दिल से लगाना, तुम लोगों ने दिखा के भी किया तो इसलिए आता है। ये तो इनकी अपनी मर्जी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये लफ्ज नहीं गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा, आपने देखा, आपने कहा खैमे किसके हैं, खवातीन ने कहा हमारे हैं, तीन बीवियों ने लगाए थे, 11, 9 में से 3 ने लगाए, क्या कुछ भी नहीं लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा तुम लोग एतकाफ कर लो, मैं नहीं करता। ये दिखावे दुखवे, ये इनकी अपनी मर्जियां हैं, ये इनकी अपनी मर्जियां हैं। और वैसे भी अगर खवातीन मस्जिद में एतकाफ ना करें तो फायदा किसका है, मस्जिद वालों का है ना, जिम्मेदारी टलती है। वो कहें अपने घरों में एतकाफ करो तो जिम्मेदारी टलती है, क्यों इसरार करते हैं मस्जिदों में एतकाफ करने पर, क्या मिलता है इनको, अच्छा पैसा, और उसके बाद फिर अल्लाह माफ करे कि चस्के भी मिलते हो। अभी अल्लाह रहम फरमाए, ये चीजें खराबी खराबी जब बढ़ती है फिर बढ़ती जाती। फर्ज नहीं, हमें डिस्करेज किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, बूढ़ी खातून थी, वो नमाज पढ़ने आती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाकायदा कहा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो ओवरऑल सबको कहा ना, तो खवातीन ने आना कम कर दिया, कोई कोई इक्का दुक्का, तो वो आती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, बाकायदा नाम लेकर उन्हें कहा कि मुझे पता है कि आपको मेरे पीछे नमाज पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन आपके घर के सहन की नमाज मेरे साथ मस्जिद में पढ़ी गई नमाज से अफजल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मस्जिद नबवी में पढ़ी गई नमाज से अफजल है, घर के सहन की नमाज, और आपके अंदरूनी कमरे की नमाज आपके सहन की नमाज से अफजल है, और आपके घर की कोठरी की नमाज आपके कमरे की नमाज से अफजल है, और आप अपने घर में मस्जिद बैत बनाए और वहां नमाज पढ़ा करो। तो फिर उन्होंने आपसे कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ऐसा करें कि एक दिन मेरे घर आके हमें 2 रकत नमाज पढ़ा दे, हम उस जगह को अपनी मस्जिद बना दें। आपने कहा अच्छा ठीक। फिर आप गए और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कोने में उन्होंने कहा 2 रकत नमाज पढ़ा दी, और वहां, और वो बिल्कुल अंदर का कमरा था, और वो कहते हैं, उनके बेटे कहते हैं कि मेरी अम्मी फिर सारी उम्र सबसे पिछली कोठरी में ही नमाज पढ़ती थी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कह दी। तो मस्जिद नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में सहाबा के झुरमट में आप कहते हैं इससे अफजल नमाज तुम्हारे सहन की नमाज, सहन से भी अफजल तुम्हारे कमरे की, कमरे से अफजल तुम्हारी कोठरी की, और उससे अफजल पिछली कोठरी की। तो फिर एतकाफ नफली इबादत, वो भी 10 दिन, और फिर जब मगरिब के बाद औरत घर से निकल भी नहीं सकती, कई अहकामात है, बिल्कुल मतलब 3 दिन सफर नहीं कर सकती शोहर के बगैर, कितनी चीजें, और वो कैसे सिर्फ हरमैन है जी, सिर्फ हरमैन है, वहां तो आप अलग बात हरम है में ना, गए हुए हैं वहां और तो अलग वहां आप बात है। एतकाफ कर लेते हैं, वहां पर एक तो अमन भी बहुत आला है, और दूसरा वहां पर तकरीबन 99% उस तरह के वाकयात होने की इसलिए तवक्को नहीं है, वहां पर हर वक्त अल्लाह ने उसको आबाद रखा, तो वह हरम में जो अमन है वो दुनिया में कहीं भी मैसर नहीं है, तो वहां एक्सेप्शन है, नमाज की भी एक्सेप्शन है। जैसे हम जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि हम नमाज हरम में पढ़े, वहां कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हम गए ही इसलिए हैं, लेकिन बाकी कहीं भी जवाज ही नहीं, नमाजें घरों पे पढ़े, अल्लाह ने घरों पर पढ़ने का कहा, और एतकाफ घरों पर करें, और अपने घरों में मस्जिद बैत बनाए। मस्जिद बैत का मतलब कोई एक जगह मखसूस करें नमाज के लिए, वहां इबादत करें और उस जगह पर फिर आप एतकाफ भी करें। सब सहाबा के घरों में मस्जिद बैत, हमारे ही घर जो है इन बरकतों से खाली है। नहीं, हुजरे मस्जिद का हिस्सा नहीं थे, मस्जिद जो है ये बिल्कुल झूठ बात है, मस्जिद जो है मस्जिद में सिर्फ प्रेयर हॉल आता है, याद रखिएगा, मस्जिद में सिर्फ प्रेयर हॉल आता है, रिहायशी हिस्सा मस्जिद में शामिल नहीं होता, बाथरूम मस्जिद में शामिल नहीं होता, बाथरूम का मस्जिद का सहन मस्जिद में शामिल नहीं होता, मस्जिद की सीढ़ियां, ये तकाफ के मसाइल उठाकर देखें, सीढ़ी में खड़े हो गए
और बातें करने लगे, एतकाफ टूट गया। बिल्कुल टूट गया, सही कहते हैं। बाथरूम में खड़े होकर गप लगाने लग गए, एतकाफ टूट जाएगा। छत पर खड़े होकर बातें करने लगे, एतकाफ टूट जाएगा। क्यों? मस्जिद में नहीं आते, मस्जिद में सिर्फ प्रेयर हॉल आते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मस्जिद का हिस्सा नहीं थे, वो आपके घर थे। और उस्मान रजी अल्लाह तआला उन्होंने खरीद कर मस्जिद में शामिल किया था। अगर मस्जिद का हिस्सा थे तो उनको कहते हो मातल मोमिन को, भाई अब विला कर दें। नहीं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने अपनी पॉकेट से, अपने जाती पैसों से खरीदे थे अम्मा उमहातुल मोमिनीन के घर से, वो कमरे। घर तो ज्यादती है कहना, वो कमरे खरीदे थे और खरीद कर मस्जिद को एक्सटेंड किया अपने जमाने में। और उनको बदले में पैसे भी दिए थे और घर भी दिए थे, बाकायदा फिर घर दिए थे। तो लिहाजा ये बिल्कुल जी हिस्सा नहीं थे मस्जिद का, ये झूठ बोलते। और फिर उम्महातुल मोमिनीन जब शिफ्ट भी हो गई थी तब भी वो घरों में इतकाफ करती थी। और चलिए, उम्महातुल मोमिनीन तो मस्जिद के साथ जुड़े कमरों में रहती थी, सहाबिया तो अपने घरों में रहती थी ना। एक सहाबिया ले आओ जिन्हें मस्जिद में इतकाफ किया है। उस जमाने में तो दो ही मस्जिदें थी भाई, एक मस्जिद कुबा थी और एक मस्जिद नबवी थी। बैरूनी मदीने में मस्जिद कुबा थी, अंदरूनी मदीने में मस्जिद नबवी थी। तीसरी कोई मस्जिद अहद नबवी में नहीं बनी। आपने बिल्कुल अलाउ नहीं किया हुआ था टके टोकरी मस्जिदें बनाना, ये नहीं अलाउ। मस्जिद तो जामे होती है, जामिया मस्जिद। तो मस्जिद इतने ब्लॉक पर होनी चाहिए कि एक पूरे ब्लॉक के लोग वहां पर आए। हाँ, आपने कुछ घर नॉमिनेट किए हुए थे कि अगर बारिश हो या दिक्कत हो तो वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। सर्दी में इशा और फजर की नमाज भी इन जगहों पर होती। मस्जिदें नहीं बनाई हुई थी। जो दूर वाले मोहल्ले थे ना, जैसे अल मोहल्ला वगैरह थे, वहां पर आपने कुछ घर मखसूस कर दिए थे जिनके घर बड़े होंगे। आई थिंक सो आपने वहां अलाउ किया था कि बारिश की सूरत में या सर्दी की शिद्दत के दिनों में इशा और फजर की नमाज वहां पर अदा कर, ये अलाउ किया था बस। और उसके लिए इमाम भी मुकर्रर कर दिए। तो आप एक मिसाल ले आए, चले सहाबियात इतकाफ बैठती थी, किसी सहाबिया की मिसाल ले आए। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब घर लेकर दिए हैं, उसके बाद भी महातल मोमिनीन जिंदा रही है। अम्मा आयशा सरीका रजी अल्लाह तआला अन्हा तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में वफात पाई है, तो तभी उम्मे सलमा कब तक जिंदा रही है? रही है ना जिंदा। तो आप मुझे बताएं कि कभी हुआ कि किसी सहाबिया ने मस्जिद में आकर खैमा लगाया हो या उम्महातुल मोमिनीन ने लगाया हो? एक एग्जाम्पल ला दो। ये ये कहाँ से जिद ले, है। ये कहाँ से ले, ये वहाबी ये कहाँ से ले आते हैं ये चीज़? पहली बात तो याद रखिए, वहाबी तो कोई गिरोह ही नहीं, अहले हदीस है। हाँ, उन्होंने अपना नजरिया कायम किया, ठीक है। वो नजरिया कायम उन्होंने इस बात पर किया कि जब अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में कहा कि जब तुम एतकाफ करो मस्जिदों में, वल मौतकिफूना फिल मसाजिद, तो उससे उन्होंने सॉरी आकिफूना फिल मसाजिद, सॉरी मैं वही सोच रही थी कहाँ गलती करी, वल आकिफूना फिल मसाजिद, जब तुम एतकाफ कर चुके हो मस्जिदों में तो फिर फिजिकल रिलेशन नहीं हो। तो उन्होंने इसे मर्दों औरतों के लिए आम माना है, हालांकि ये मर्दों के लिए हुक्म है। और इसकी दो दलीलें हैं। एक बात दलील तो ये है कि ये खिताब मर्दों से चल रहा था, मियां बीवी के रिलेशन का। दूसरी बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मस्जिदों में इतकाफ करने के लिए परमिशन नहीं। तो इस बात को समझने की जरूरत है, ये जिद बनी हुई है। जिस तरह अब चंद अहले हदीस उलामा ने कहा, उनकी नीयत बुरी नहीं थी, वो अच्छे आलिम थे, उन्होंने कहा, मगर जिस तरह अबू हनीफा रहमहुल्ला जो है उन्होंने नमाज के बारे में दो तीन बातें कही, औरतों को सिमट कर नमाज पढ़नी चाहिए, झुक कर सजदा करना चाहिए, गलती हुई उनसे, इश्तिहादी गलती। अब हनफियों ने ग्रुप बना लिया और उस पर लड़ रहे। इसी तरह चंद अहले हदीस सीनियर उलमा ने ये बात रखी कि औरतों को भी मस्जिद में एतकाफ करना चाहिए अगर वो कर सके, कहा कर सके, वरना वो घरों में भी कर सकती है मस्जिद बैठ में। इन्होंने वो बात पकड़ ली और अब उसके ऊपर झगड़ा पैदा कर रहे हैं। एक सेकंड, नहीं ये बंद हो जाएगा, नीचे से कुछ रहेगा। नहीं जी, एक सेकंड मैं बात कंटिन्यू करती हूँ प्लीज।
तो ये जो है ना एतकाफ का मसला, ये फिरकों का मसला बन गया, ये फिकही मसाइल से उठकर ना ये फिरका वाराना मसला बन गया है। यानी कि जिस तरह हनफी कुछ मसलों पर जिद करते हैं इसलिए कि अबू हनीफा ने कह दिया तो अब हम तो इसी पर खड़े रहेंगे, उसी तरह अहले हदीस उलमा जिद कर रहे हैं कि हमारे सीनियर्स ने कह दिया। अब चाहे वो अहले हदीस आलम हो और चाहे वो आलम जो है ना वो हनफी हो या शाफी हो या कोई भी, या वो शिया हो, जिसकी बात कुरान और हदीस से साबित नहीं होगी उसकी बात को नहीं माना जाएगा। और किसी का पर्सनल इश्तेहाद है वो गलत सही हो सकता है तो छोड़ दे। हाँ इस बात को मैं मानती हूँ, हमारे यहाँ जो बरेलवी है वो ये शिद्दत करते हैं कि औरत किसी हाल में मस्जिद में इतकाफ नहीं कर सकती, ये भी इंतहा पसंदी है। औरत को अगर 100% हिफाजत का और सिक्योरिटी का तहफुज हासिल हो और घर से परमिशन भी 100% हो तो वो मस्जिद में भी एहतिकाफ कर सकते, मगर ऐसी सिक्योरिटी लेकर आए ना, ऐसी सिर्फ दो जगहों पर है, मदीने में और मक्के में, हरमैन बैतल मकदस में भी इस वक्त आप नहीं कर सकते, वहां भी इस वक्त सिक्योरिटी और तहफुज नहीं। हरमैन इस वक्त दुनिया में सेफेस्ट सिटी फॉर वीमेन, नंबर 1 पर मदीना और नंबर 2 पर मक्का। ये हमारे अदादो शुमार नहीं है, अमरीकी अदादो शुमार के मुताबिक सबसे सेफेस्ट सिटी इस वक्त दुनिया में औरतों के लिए मदीना, उसके बाद मक्का, उसके बाद अरब के 3 और शहर हैं और फिर यूएई के ये दुबई। तो सिक्योरिटी है, उन्होंने रखी हुई है, वजह उस सिक्योरिटी की वही है। उन्होंने बहुत सारी खराबियां पैदा अभी भी कर ली है लेकिन इस्लामी सजाएं हैं, अगर कोई रेप करेगा तो रजम किया जाए। अब ये इतनी तकलीफ दे सजा है कि दूर रहते, लिहाजा वहां सेफ्टी सिक्योरिटी है। तो वहां पर वो सेफ्टी सिक्योरिटी है जिसमें आप वैसे भी हरम में जाते भी इसीलिए हैं, और वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की मैयत भी कायम है कि वहां जाकर एहतिकाफ औरत कर सकते। जी करते नहीं, बरेलवियों का ये मानना है कि औरत नमाज पढ़ ही नहीं सकती मस्जिद, बरेलवी हनफी, सारे हनफी नहीं, हनफियों में फिर देवबंदी भी है ना, हनफी बहुत सारे ग्रोह हैं, बरेलवी हनफी जो है वो नहीं अलाउ करते, लिहाजा बहुत सारी औरतें हरम में जाती हैं और नमाज नहीं पढ़ती, नमाज अपने घरों में जाकर पढ़ती है, वो कहती है कि औरत मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ती। तो ये उन बिचारियों के साथ जुल्म है, अल्लाह उन पर रहम करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो तो मासूम औरतें हैं, उनको तो ये मसला बताकर भेजा जाता है कि औरत की नमाज मस्जिद में नहीं होती, तो वो बेचारी नमाज के औकात में साइडों पर बैठी रहती है और फिर अपनी रिहाइशगाहों पर जाकर नमाजें पढ़ती हैं। तो ये तो उन बेचारियों के साथ ये लोग जुल्म करते हैं। लेकिन बहरहाल जो है अपना अपना, जिसको कहते हैं ना, हर किसी ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई। जी जैसे अभी बैल होनी चाहिए। चाहिए जैसे अब सारा घर ही मस्जिद है जी, सारी घर मस्जिद है जी जी बिल्कुल, ये तो वैसे एक तरीका है। दूसरे के घर में चले जाते हैं, जैसे कभी बेटी के घर दिया तो किसी वजह से घर में को किए हाँ वो तो घर कर ही है, हाँ सकते हैं। वो देखिए तो अब घर है। मुसलमानों के लिए बुनियादी तौर पर पूरी जमीन मस्जिद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, मेरी उम्मत के खसाइस में से है कि अल्लाह ने हमारे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है सिवाय कब्रिस्तान के और ऊँटों के बाड़ों को। तो आप मस्जिद हर जगह नमाज पढ़ सकते हैं सिवाय कब्रिस्तान की, और कुरान पढ़ना कहाँ मना है? कब्रिस्तान की। कब्र पर दरख्त लगाना मना है, कब्र को पक्का करना मना है, कब्र पर चिराग जलाना मना है, कब्रिस्तान में आग जलाना मना है, कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना मना है, कब्रिस्तान में बैठना मना है, कब्र पर मजावर बनकर बैठना मना है, कब्र पर फूल डालना मना है, कब्र पर खुशबुएं जलाना मना है, कब्र पर इमारत बनाना हराम है। मना से मैंने हराम का ट्रांसफॉर्म किया क्योंकि लफ्ज हराम ही इस्तेमाल हुआ, हुर्रिमा अलैना, हराम किया गया हम पर, क्या मस्जिदों पर कब्रों पर इमारत बनाना, हराम किया गया हम पर कब्रों पर मस्जिदें बनाना। तो जो ये आपके सारे मिजार हैं ये हराम है इस्लाम में, तो जो हराम है वहां जाकर आप कौन सी खैर बरकत खट लाएंगे? तो सारी जमीन हमारे लिए मस्जिद है, सारी जमीन सिवाय कब्रस्तानों के और ऊंटों के बाड़ों के, ऊंट का बाड़ा जब ऊंट का बाड़ा ना रहे तो हलाल है, कब्रिस्तान का भी हो जाएगा ये मसला हल जब वहां से कब्रें हटा दी जाएंगी। ये जो मस्जिद नबवी माशाल्लाह असल है ना, जब ये प्लॉट खरीदे गए तो यहाँ पर 2 कब्रें थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शिफ्ट करने का हुक्म दिया, तो वो फिर वहां से
डिग करके तो कहीं और दफन कर दिए गए, तो लिहाजा कब्रिस्तान पर मस्जिद नहीं बनेगी। हमाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, वो तो नेचुरल बात है ना, जो आपका बाथरूम है तो आप वहां नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो अंडरस्टूड है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें काउंट नहीं किया, क्योंकि बाथरूम कोई मुस्तकिल चीज नहीं है। अगर आज भी अपना घर तोड़कर नया बना लो और बाथरूम कहीं और ले जाओ, यानी कि किसी और हिस्से में ले जाओ, तो ये बाथरूम नहीं रहेगा, तो वो कोई मुस्तकिल हुक्म नहीं। ठीक है, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात बयान की तो आप इसमें हमाम नहीं गिनवाए, क्योंकि असल में इसलिए नहीं गिनवाए, अंडरस्टूड है। जहां आप बाथरूम में बैठकर खाना खाते नहीं खाते, चाहे वो कितना ही साफ क्यों ना हो, तो इसी तरह नमाज कैसे पढ़ेंगे, डेफिनेट बात है। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जगह गिनवाई, कब्रिस्तान और ऊंटों का बाड़ा, बकरियों के बाड़ों में नमाजें पढ़ी जा सकती जी, भैंसों के भी, ऊंट का नहीं। अब बात यह है, सारी जमीन मस्जिद है तो आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी एतकाफ कर सकते हैं, ये इजाजत है। खवातीन मर्द नहीं, मर्द मस्जिद जो खास होगी उसी में करेंगे। अब खवातीन के लिए ज्यादा उला ये है कि घर में मस्जिद बैत बनाए। मस्जिद बैत से मुराद ये नहीं कि कोई मस्जिद बनानी है, अपनी नमाज की जगह मखसूस करें और वहां पर अगर एतकाफ करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया हुआ तो फिर आप अपने घर में किसी भी जगह एतकाफ कर सकते हैं और अपने किसी अजीज के घर में भी एतकाफ कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। जिस कमरे को किया हो उसके अलावा किसी दूसरे कमरे में जा सकती है मेरी बात सुने जी, एतकाफ मस्जिद में भी जब आप करते हैं तो जो जगह अपने लिए सराउंड करते हैं उसी पर बैठते हैं, पूरे कमरे से ना उछल के नहीं फिरना, हाँ नची नहीं फिरना, उतनी बैठना। एतकाफ का लफ्ज़ी मतलब भी है जमकर बैठना, तो लिहाजा मस्जिद में भी आप जितनी जगह पर पर्दा लगाते हैं ना वो आपकी जगह होती है। हाँ इतना अलाव है कि जाहिर इंसान है, बहुत टांगे थक गई है तो जरा उठकर खड़े होकर जरा सा आगे पीछे हो ले, उसी जगह पर बैठकर हटाकर दूसरे से बात कर ले। तो आप एतकाफ की नियत जब करते हैं तो जितने जगह को आप अपनी नियत में लाते हैं वो उतनी होती। अगर आपने अपने घर में बैठे हैं और आपने एक कमरे को मांग लिया है तो फिर उसी कमरे की हद तक आप रहेंगे। अगर आपने ये कहा कि कमरे का ये कोना मेरा मौतकफ है तो फिर आप उसी हद तक महदूद रहेंगे। तो अब मैक्सिमम क्या होगा, मेरा कमरा मेरा मौतकफ है, चलो हो गया, फिर उस कमरे की हद तक ही रहने, फिर लुडियां नहीं बांधे फिर। हाँ काम हो सकता है कि जैसे आपको लेट सपोज अफ्तारी अपनी लेनी है, नहीं कोई पकड़ाने वाला होता है समटाइम, जैसे सहरी लेनी है तो उसके लिए आप जाकर लेकर आ सकते हैं बस, या अगर आपने अपनी गर्म करनी है यानी रोटी बनानी है बना सकते हैं, पर वहां खड़े होकर बात नहीं कर सकते। गाली की थी एतकाफ जी खत्म, अपनी रोटी बनाए और चुप चुप पीते वापस आ गए। ठीक है, लेकिन इंतहाई मजबूरी, कोशिश तो ये करें कि अपने काम इस तरह से अरेंज करें कि आपको ना करना पड़े कुछ भी। बहन कह रही है कि ये जो कहते हैं कि नमाज जगह बदल बदल कर पढ़नी चाहिए क्योंकि नमाज की जगह गवाही देगी, तो इसका क्या है? नहीं जी, जगह बदल बदल कर पढ़ने की जो बात है ना, बिल्कुल गलत इंटरप्रेट की जाती है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया कि जब मस्जिद में आओ, मस्जिद के आदाब पर आपने खुतबा दिया और आपने कहा लोगों जब तुम मस्जिद में आओ तो मस्जिद में अपनी जगह मखसूस ना किया करो, जिसे जगह जहाँ मिले, जिसे जहाँ जगह मिले वो वहीं बैठ जाए, क्योंकि मस्जिद में जगह बैठ कर बदलना भी इबादत और फजीलत है। तो उस पर लोगों ने ये कर लिया कि यानी कि एक नमाज में दो रकतें पढ़ ली, लेट सपोज तरावी की नमाज है, सलाम फेरा तो मेरे लिए जगह बदलनी, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सफ़ें बार बार बिखरती हैं, बार बार टूटती हैं, कोई मोटा है कोई छोटा है कोई लंबा है कोई छोटा है, तो ये सारा सफ़ों का डिसिप्लिन खराब होता है। इससे मुराद सिर्फ इतनी है कि मस्जिदों में जगह मखसूस ना की जाए। अभी तो मैं इस साल तो है गई नहीं, पिछले साल में इधर मस्जिद में गई तो मैं मेरी आदत है मैं अगर जाऊं तो मैं जल्दी जाती हूँ, तो मैं गई तो बाद में खातून आई और वो कहने लगी कि ये तो मेरी जगह है। मैंने कहा जी मैं समझी नहीं, कहती मैं इधर रोज बैठती हूँ तो तुम उठ जाओ। खैर मस्जिद थी, मैं उठ गई, मैंने उनसे बहस नहीं की, ये वाली बात मना की गई, अपनी जगह मखसूस कर लेना। वो जैसे हम छोटे होते थे ना, छोटे कॉलेज में नहीं करते थे, स्कूल में करते थे, ये छोटे होते थे ना तो हमने मैं पहली लाइन में बैठना होता था तो एक दूसरे की सहेलियों को ताकीद करके जाते थे, तो तीन चार फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाता है ना, तो जो आती थी ना वो अपनी ज्योमेट्री कापियां निकाल के ना साथ वाली सीटों पे रख देती थी, असी मली हो ये सारी सहेली।
वो हम उस बचपने से ही नहीं निकल रहे। जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में बैठेगा, कोई अपनी सीट मखसूस नहीं करेगा। इट इज नॉट अलाउड, ये है इसका मतलब। इसका ये मतलब नहीं है कि एक नमाज के दौरान आप परेड करते रहो, बिल्कुल मना करें उनको, ये गलत फहमी है और इसमें कोई सवाब नहीं है, इसमें कोई अजर नहीं। सुन्नते तो वैसे ही घरों में पढ़ा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नते घर से पढ़कर जाते थे और फर्ज पढ़ने के बाद घर आकर सुन्नते पढ़ते थे। तो रोजा नहीं रख सकता, कुछ नहीं था क्या वो भी इंतकाम कर सकते। रोजे और इतकाफ का क्या लेना देना, सुन सुना के सुननी। रोजे का एतकाफ का आपस का कोई रिलेशनशिप नहीं है। रोजा अलहदा इबादत है, एतकाफ अलहदा इबादत है, कयामुल लैल अलहदा इबादत है, रोजा अलहदा इबादत है। लिहाजा एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, रमजान का एतकाफ सुन्नत से साबित है, बाकी एतकाफ सुन्नत से साबित नहीं है। बाकी एतकाफ कभी भी कर सकते हैं जिंदगी में, तो रमजान नहीं जी, कोई कैद नहीं है। ये गलत आप लोगों की गलत फहमी है। रमजान अगर एक बंदा रोजा नहीं रख सकता मगर एतकाफ कर सकता है तो एतकाफ कर सकता है, उसे रोजे का सवाब भी मिलेगा, एतकाफ का मिलेगा। ये तो आप दलील लाए ना, दलील क्या है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी साल तक रोजे रखते रहे ना, अल्लाह ने आप पर एहसान फरमाया। आपकी तबीयत तो हज से आने के बाद ज्यादा बिगड़ी है, या तो आपका कोई साल ऐसा गुजरा होता कि आपने रोजे ना रखे होते और आप एहतिकाफ ना फरमाते और आप कहते कि भाई इस वजह से एहतिकाफ नहीं किया कि मैं रोजे नहीं रख सका, तो फिर लेकर आते ना दलील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जितने साल जिंदा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रोजे रखे हैं, आपकी हालत तो हज से आने के बाद बिगड़ी है और फिर रबी अव्वल में आप वफात फरमा गए हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे एहतिकाफ रोजों के साथ किए हैं। लेकिन इससे ये दलील कहाँ से निकलती है कि जो रोजा नहीं रख सकता वो एतकाफ ना करे? ये तो कहीं नहीं आया। क्या अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो रोजा रखे वो एतकाफ करे? नहीं। हदीस में आया? नहीं। ये हमारी जाती रूलिंग्स है, जाती रूलिंग। हाँ, जाहरी बात है, जो रोजा नहीं रखेगा और एतकाफ कर लेगा, यानी कि रोजा नहीं रख सकता किसी भी सबब से लेकिन वह एतकाफ कर सकता है और उसने एतकाफ कर लिया, उसको जाहिर है रोजे का अजर नहीं मिलेगा, एतकाफ का मिलेगा। जो जो कर सकते वो तो करे ना। ये ऐसी बातें हैं जी। हम छोटे थे ना तो मेरी वालदा हमें कहा करती थी कि जे तुसी तरावियां नहीं पढ़नियां ते रोजा ना रखो, जरा तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा कबूल नहीं होता। ये हमारे सर पे तलवार थी। कयामुल लैल जरूर करे, वो तो बहुत बरकत की बात है, लेकिन ये वाली बात तो नहीं है ना। लेकिन बेटा हमने बनाई हुई ये है। जो रोजा है द्रावी है ना वो रोजे के पार होते देखिए सारी बातें गलत है। कयामुल लैल की अहमियत अजीम है, उसमें तो दो राय है ही नहीं ना। जिसने कयामुल लैल किया ईमान और एहतसाब की नीयत से, उसके अगले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, इससे बड़ी क्या बात है। लेकिन बहरहाल रोजे की कबूलियत की शर्त कयामुल लैल नहीं, रोजा अलग इबादत है, कयामुल लैल अलग इबादत है। रोजा फर्ज है, कयामुल लैल नफल है। रोजा ना रखने वाला गुनहगार है, कयामुल लैल ना करने वाला गुनहगार है? नहीं है। ये तो इतनी बड़ी बातें हैं और आपको हमें गलत सिखाई गई है ना। उसी तरह एतकाफ का मामला, अगर एक इंसान जानबूझकर रोजा नहीं रखता तो फिर तो उसको एतकाफ कर रहे कि फर्ज ही पूरे करे तो नफल तक ही ड्रम है, वो तो ड्रामेबाजी है। लेकिन एक बंदा मेडिकली रोजा नहीं रख पा रहा लेकिन वो एतकाफ कर सकता है और वो एतकाफ करता है, तो क्या एतकाफ होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ये कोई कंडीशन नहीं है जी। और कंडीशन है कि आम अक्सरियत को नहीं पता कि एहतिकाफ 1 घंटे का भी हो सकता है, एक दिन का, नफल कि एतकाफ की कोई मुद्दत मस्जिद नहीं है, में नफल जाते हैं एतकाफ आप, आप जितना चाहे कर सकते हैं। यानी मस्जिद में आप जाते हैं आप भी एक बार नहीं, मैं जितनी देर मस्जिद में एहतिकाफ करूँ आपको एहतिकाफ का सवाल। एतकाफ नफल जो है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप एतकाफ जी, रमजान के से कोई ताल्लुक नहीं है, नफल एतकाफ कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। जो नफल एतकाफ की जितनी देर की नियत कर लेगा वो हो जाएगा। नफल एतकाफ एक दिन का भी हो सकता है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुसलमान होने से पहले मैंने ये मन्नत मानी थी कि मेरा एक काम है वो हो जाए तो मैं एतकाफ करूंगा एक दिन का हरम में, तो क्या मैं करूँ? आपने कहा हाँ जरूर करो। तो एतकाफ नफल जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है।
आप किसी भी टाइम की हद तक कर सकते हैं। एक दिन का इतकाफ क्यों उसकी कजा होगी जी? नहीं 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 मैं कह रही हूँ एक दिन की क्यों होगी, जितने दिन के एतकाफ की नियत से आप बैठे थे और वो पूरा नहीं कर सके तो फिर आपको उतने ही दिन का एतकाफ लौटाना पड़ेगा। अगर आप 2 रकत नमाज पढ़ने खड़े हुए नफल और आपकी टूट गई तो आप 1 रकत थोड़ी पढ़ेंगे, आप 2 रकतें दोबारा पढ़ेंगे। तो अगर 10 दिन का एतकाफ नियत करके बैठे थे तो 10 दिन का लौटाएंगे, और अगर जो है हफ्ते का एतकाफ माना था तो हफ्ते का, एक दिन का माना तो एक दिन का, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल जिसका एतकाफ पूरा नहीं हुआ, जब हम कोई फर्ज काम करने बैठ जाते हैं वो हम पर वाजिब हो जाता है। यानी मैंने रोजा रखा नफल, अब रख लिया तो मुझ पर वाजिब हो गया। अब अगर मैंने वो नफल रोजा तोड़ दिया किसी भी सबब से तो अब मुझे उसकी कजा देनी पड़ेगी। नफल तब तक है जब तक शुरू नहीं किया, जब मैंने शुरू कर लिया वो वाजिब हो गया। तो लिहाजा एतकाफ नफल है, मगर जब मैं एतकाफ करने बैठ गई तो वो वाजिब हो गया। अब अगर एतकाफ बैठने के बाद किसी सबब से मेरा एतकाफ अधूरा रह गया, कोई भी मेडिकल रीजन हो गई, तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा, एतकाफ टूट गया, अब उस एतकाफ को वो बाद में पूरा करेगी। ठीक है, 10 दिन तो और ईद के बाद, जी ईद के बाद जब भी करे, पूरे साल, जब भी करे, पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो अगले रमजान में कर ले, आपकी मर्जी है, ये तो डिपेंड करता है। अब इसमें यह है कि अगर फर्ज करें मेजर हिस्सा, हाँ उलामा ने ये राय दी है कि अगर लेट सपोज के 10 दिन में से 7 दिन गुजर गए थे, 7वें दिन एतकाफ टूटा, तो फिर वो 4 दिन का एतकाफ अपना जो रह गया कंप्लीट कर ले। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में असल में कोई ऐसा केस हुआ नहीं, तो हमारे सामने कोई रूलिंग आई नहीं, तो फिर इसमें ये सवाल जो है कि आया अगर एक बंदे का 10 दिन का एतकाफ था और उसने 8 दिन एतकाफ कर लिया, 8वें दिन लेट सपोज उसका एतकाफ टूट गया किसी सबब से, तो अब क्या वो 10 दिन का एतकाफ लौटाएगा? तो इसमें राय में इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं 10 दिन का लौटाएगा ज्यादातर उलमा ने कहा कि नहीं, आसानी की तरफ जाएं, आपके जितने दिन छूट गए उतने दिन का एतकाफ करें ताकि वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो राय है दोनों तरफ, मैं समझती हूँ जिसमें आसानी हो वो करें, अगर आसानी है तो 10 दिन का लौटा लें, अगर मुश्किल है आप पर जिम्मेदारियां हैं तो फिर जितने दिन छूट गए हैं, 2 दिन छूटे हैं, 3 दिन छूटे हैं, उतने दिन का लौटाकर अपनी गिनती पूरी कर। पता ही नहीं, खुवातीन को पिछले साल एक साल मस्जिद में बैठी थी, उन्होंने हज के दिन अदा किए, उन्होंने बुला दिया कि आए हैं तस्वीरें लेके, और भी दूर आए, फिर वो छोड़ के गए नहीं, सारा दिन गुजार के आए शाम को, और उन्होंने कोई नहीं लौटाया ना उन्हें पता। असल में इसमें फिर जिम्मेदारी जो है ना वो हमारे नाम ने हाद आलिमों की आती है, रमजान में उन्हें जो है एतकाफ के मसाइल बताने चाहिए, और एतकाफ इतना हल्का नहीं है जैसे हम लोग ना यही बैठे बैठे मैं एतकाफ बैठना, पहले पूरा प्लान करें ना, यानी कि खवातीन को पता ही है कि डेट आनी है, ये कोई अचानक अनहोनी थोड़ी है, तो फिर अपनी डेट को चेक करें कि मैं पूरा कर सकूंगी या नहीं, फिर हेल्थ कंडीशंस भी अपनी देखें। फिर इसी तरह अगर किसी ने हज की एप्लीकेशन दी हुई है तो इन्हीं दिनों में जाना है, पता ही अंडरस्टूड चीजें है ना, होता ये है कि कोई प्लान नहीं होता, बस बैठे बैठे अच्छा बाजी तो एतकाफ बैनी, चल मैं भी बैनी, ऐसे तो हम लोग प्लान करते हैं, तो एतकाफ को प्रॉपर प्लान करें, क्योंकि अगर आप एतकाफ बैठ गए अब ये आप पर वाजिब हो गया, अब वाजिब की कजा देनी पड़ेगी आप। तो लिहाजा अगर आपने बैठना है तो फिर आप पूरा एहतमाम इंतजाम करके बैठें और ये देखें कि आप निभाने के लायक हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो फिर मत बैठे नफल को अपने ऊपर, वो मत करें लाजिम ना करें, तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। मगर इसमें ज्यादा कसूर आलिमों का है, क्योंकि मसाजिद में बैठकर इख्तिलाफी बातें करते रहते हैं और दीन की बात नहीं करते। जी अच्छा नहीं जी, एतकाफ पर्सनल इबादत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ फरमाते थे, याद रखिएगा सहाबा सब अपने अपने खेमों में बैठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में तनहा बैठते, सहाबा कहते हैं एतकाफ के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलकर हमें नमाज पढ़ाते, और नमाज के बाद आप अपने खैमे में जाकर पर्दा गिरा ले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब जैद भी बैठे थे ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद से मुंह फेर कर बैठ जाते। एतकाफ दरअसल अल्लाह के साथ तन्हा होने का नाम,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੋ ਹੀ ਨਾ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇਨਕਾ, ਇਜਤਮਾਈ ਏਤਕਾਫ 1,000 ਲੋਗੋ ਕਾ, ਇਜਤਮਾਈ ਇਜਤਮਾਈ ਏਤਕਾਫਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੈਮੇ ਮੇ ਬੜੇ ਲੜਕੇ ਕੇ ਸਾਥ ਬੰਦੇ ਕੇ ਸਾਥ 36-37 ਸਾਲ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਕਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਤੋ ਇਸਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਅਕੇਲੇ ਅਕੇਲੇ ਏਤਕਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਮੇ ਅਕੇਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਮੇ ਅਕੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਗੋ ਕੋ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਾ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਤਨਹਾਈ ਕੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾ ਜਾਏ। ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਤਨਹਾਈ ਮਕਸੂਦ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਅਕੇਲਾ ਹੋਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਯਾ ਤੋ ਯੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਕਮਰੇ ਮੇ ਅਕੇਲੇ ਹੈ ਔਰ ਕਮਰੇ ਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੋ ਔਰ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪ ਦੋ ਲੋਕ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਬੈਠ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਔਰ ਬੈਠ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਮੇ ਪਰਦਾ ਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਪਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਪਰ ਇਬਾਦਤ। ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਤਵੱਜੋ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਤੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਯਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਦੇ, ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮਰਾਦ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਇਤਕਾਫ ਬੈਠਤੀ ਹੂੰ ਤੋ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਕਿਆ ਪਕਾਏ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪਕਾ ਲੋ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਬਤਾ ਦੋ, ਤੋ ਵੋ ਆ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਤੋ ਇਤਨਾ ਵੀ ਮੁਝੇ ਬਤਾਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਮੈਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਭੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰਫ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਣਾ, ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿਆ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੇ ਜਿਤਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਤਨਾ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰ ਘਰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਉਸੀ ਸੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਬਤਾ ਸਕ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਵਹਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰ ਪੁੱਛ ਲੈਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਧੋ ਲੇ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਉਤਾਰਨੇ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਰਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅਹਿਮ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੇਡ ਕੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਕੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁਲਾਣਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੋ ਇਸ ਮੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਚਿਹਰੇ ਕਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਸ, ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ ਕਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਚਿਹਰੇ ਚੁਹਰੇ ਕਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬਾਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਜਾਏ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਏ ਔਰ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਓ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਹੋਤੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਮਰੇ ਮੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕਰ ਉਨਕੋ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਯੇ ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਆਨੇ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਵੋ ਸਿੱਖੇਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਸੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਹਮ ਇਤਕਾਫ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਸੇ ਐਸਾ ਰਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤੰਗ ਸੀ ਪੜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਬਲਕਿ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦਾਦੋ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਵੋ ਲੇਟ ਕਰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੋ ਮੈਂ ਜ਼ੁਹਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਤੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਤੀ ਰਹਿਤੀ, ਵੋ ਲੇਟ ਕੇ ਸੁਣਤੀ ਰਹਿਤੀ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮਾਮਾ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨੂਰ ਕਾ ਚੁਕੇ ਹਿਫਸ ਕਾ ਥਾ, ਤੋ ਵੋ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਉਤਰ ਰਹੀ ਥੀ, ਵੋ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਥੀ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮਾਮਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਤੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਹੋਤਾ ਥਾ ਕਿ ਆਈ ਸਕੂਲ ਸੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ, ਤੋ ਵੋ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਤੀ ਰਹਿਤੀ ਥੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਦੋ ਕੇ ਪਾਸ ਇਤਕਾਫ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮਨੇ ਵੀ ਇਤਕਾਫ ਬੈਠਣਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਇਤਕਾਫ ਸਕੂਲ ਸੇ ਆਕਰ ਬੈਠਣਾ ਤੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤਾ, ਆਪ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਤਾ, ਤੋ ਵੋ ਰੋਜ਼ ਯਹੀ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਤੋ ਯੇ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਨਾ ਭਗਾਏ, ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਕਿਆ, ਵੋ ਬਲਕਿ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇਂਗੇ, ਸੁਣੇਂਗੇ, ਸਿੱਖੇਂਗੇ, ਨਬੀ ਸੱਲ ਵਸਲ ਮੈਂ ਇਤਕਾਫ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਤੋ ਰੈਗੂਲਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਤੇ ਥੇ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਆਕਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਪਰ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਯੇ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬੇਕਾਰ ਬਾਤੋਂ ਮੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਤੋ ਇਸ ਮੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲੇਤੇ ਹੈਂ। ਬਸ ਅਬ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਨੈਕਸਟ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਜ ਇਹੀ ਮਸਾਇਲ ਮੈਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਥੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਤੇਂ ਔਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਆਪਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਸੇ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਤੀ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਆਪਸੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਥੀ ਕਿ ਮਸਾਜਿਦ ਮੇ ਮਦਾਰਿਸ ਮੇ
ये मसला बहुत आम है। अभी मेरी एक जानने वाली खातून जो है, उन्होंने अपने बच्चे को एक मदरसे में जो अच्छा मशहूर भी है दाखिल कराया, और फिर उन्होंने अपना बच्चा हटवा लिया। और उन्होंने मुझे ये बताया कि विद इन अ वीक, यानी कि बच्चा गया और 3-4 दिन में उसने अपनी माँ को आकर बताया कि वहां लड़कों ने, जो वहां के रेजिडेंट है, वो लड़का डे स्कॉलर था ना, वो सुबह आता था शाम को माँ बाप ले जाते, तो उसने बताया कि जो लड़के वहां रहते हैं उनमें से 2 लड़कों ने उसको पोर्न वीडियो दिखाई, लड़के लड़कों लड़कों लड़कों। अब आप समझ गए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसकी वालिदा जो है, जाहिर है, वो कांप गई, क्यों, कहती मैंने तो उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल से उठा के मदरसे में दाखिल कराया बाजी, मैंने कहा जाए मदरसे वालों से बात करें और फौरन हटाए बच्चे को। तो उन्होंने बच्चा तो हटा लिया, मदरसे वालों से बात की तो बड़े आराम से, इनके बड़ी बेचारी ना जिसको कहते पंजाबी में कलप रही, उनका दिल सड़ रहा था। तो कहती मैंने जाकर बात की तो ऐसे कहती अच्छा, वो पता है बाजी बड़े लड़के भी होते हैं ना, तो नेट है तो किसी ने कुछ खोली होगा, हम देख लेंगे, आप फिक्र ना करें, बच्चा ना हटाए। आपको ये भी नहीं पता कि आपके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। सारा तो मैं इतना, मुझे रंज हुआ, इतना रंज हुआ। और वो खातून जो है ना, उन्होंने बच्चे को हिफ्ज का इरादा किया था, तो फिर मुझसे बात कर रही थी, तो मैंने कहा या तो आप साहिब हैसियत है माशाल्लाह, मैंने कहा या तो आप घर पे लगवा ले कारी, दो कारी लगवा दो, एक सुबह पढ़ाई इनके, दूसरा शाम को सुन, या फिर मैंने कहा आप स्कूल में ही, ऐसे स्कूल में दाखिल कराए जो हिफ्ज करवाते, मैं तो मदरसा सजेस्ट ही नहीं करती। तो ये सूरत हाल, इस सूरत हाल को बदलने के लिए कौन आएगा, हमें ही बदलना। ध्यान रखें, ख्याल रखें, जहां ऐसी बातें सामने आए उनको परसू करें, और ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मर्द हजरात, क्योंकि मस्जिदों में वो जाते हैं, मदारिस में वो जाते हैं, तो वो जब बद इंतजामी देखें तो सवाल करें। ये बड़ी तकलीफ दे बातें हैं जी। तो बस फिर ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। आपको पता है वो बच्ची जैनब जिसके साथ रेप हुआ था, 5 साल की बच्ची, तो एंड पर फिर कौन निकला था, ये याद है कौन निकला था, हमसाया हमसाया तो था, लेकिन कौन था, हमसाया का भी तो कोई बैकग्राउंड था। था और यार करता क्या था, प्रोफेशन क्या था उसका, उसका हमसाया था, उसका रिश्तेदार था, मुझे इससे क्या लेना देना जी, मुझे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझसे पलट करना पूछे। नहीं नहीं वो भी जी हाफिज साहब थे और घरों में कुरान पढ़ाते थे। हाँ जी, ये बहुत तकलीफ दे बात है, लेकिन मसला ये है इन लोगों की तरबियत नहीं होती वदारत में बैठने वालों की, इनको इतनी तहजीब नहीं होती। आप ये बात नोटिस कीजिए, तो जो मदरसों के बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो बैठे हुए ना अपने प्राइवेट पार्ट खुजाते रहते हैं महफिलों में, उनको इतनी तहजीब नहीं दी गई होती, तो उन्होंने सिमट कर कैसे बैठना। और हमारे मुल्क में आप देखिए 25 लाख बच्चा जो है वो मदारिस में पढ़ता है, जहां उनकी कोई जहनी तरबियत नहीं होती, कोई अखलाकी तरबियत नहीं होती, कोई उनको किसी तरह का कोई मैयर नहीं दिया जाता, रिस्क कमाना नहीं सिखाया जाता, इज्जत कमाना नहीं सिखाया जाता, सिर्फ डंडे मार मार कर एक कुरान हिफ्ज करा दे, और सारी उम्र के लिए वो बच्चे कुरान के लिए भी बदनामी बन जाते। क्योंकि फिर बात जहां होती है, फिर यही बात होती है ना कि ए उंजते हाफज ही है। ये ये कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन ज्यादा तादाद मदारिस में उन बच्चों की है जो इतने गरीब तबके से बिलोंग करते हैं कि माँ बाप उन्हें मदरसे में सिर्फ इसलिए डालते हैं कि हमें इनके बोझ से निजात मिले। वो ना बच्चों को परसू कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग जो बेहतर हालत में हैं और मदरसों को फंडिंग भी हम करते हैं, हमें चाहिए कि हम आंखें कान खोलें और हम मदरसों को प्रॉपर तरीके से चलाएं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे। तो ये बड़ी तकलीफ दे बातें हैं जी, बहुत ज्यादा तकलीफ दे हैं, लेकिन सच्चाइयां हैं। क्या किया जाए, क्या किया जाए, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। थोड़ा नहीं जी, थोड़ा यानी बहुत ज्यादा है। बारह साल का और मैंने बाकी लोगों से काम नहीं किया, तो बनने वाले बच्चे ने क्या किया, मैंने बाकी लोग जा रही
देखिए, माँ बाप का कसूर तो है, मैं तो आपसे पहले ही कह रही हूँ कि जो अंधी अकीदत है, इस अंधी अकीदत का कोई मकसद नहीं है। और आप अगर बच्चे बच्चों को हिस्स में तब डालें जब बच्चे हिस्स करना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि बच्चों को आपने अच्छे इदारों में डालना है, मदारिस में भी अच्छे इदारे देखे, डे स्कॉलर बनाए, उनको दिन रात वहां मत छोड़ो। और अगर बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो उनसे वजूहात पूछे और अच्छे कारी अच्छे उस्ताद तलाश करो। तो बहरहाल की ये मसला डिस्कस करना ही था मैंने, और मेरा आज का यही एजेंडा था, हो गया। इंशाल्लाह कल जो है, वैसे तो हम दूसरा पारा शुरू करेंगे। एक तो बात ये है कि आज पहला दिन था, कल इस वीक का लास्ट डे हो जाएगा, लेकिन टाइम से तशरीफ लाइएगा। और कल फर्स्ट सुबह जो है पहले पारे का मैं सबसे सुनूंगी, तैयार करके आई। आप लोगों को मैंने रमजान से पहले मैसेज कर दिया था कि रब ईद के बाद आप लोगों का पहले पारे का टेस्ट होगा और मैं सबक भी सुनूंगी। याद रखा मेरा मैसेज? नहीं जी, आने की बात ही नहीं है, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, वॉइस मैसेज किया था मैंने कि आप सब तैयारी करके आइएगा इन छुट्टियों को। जब मैंने छुट्टियां दी थी ना रमजान से पहले, मैंने तब मैसेज किया था ग्रुप में और साथ लिखा था कि प्लीज लिसन केयरफुली, और उसमें ये मैसेज दिया था कि रमजान के बाद ईद के बाद मैं इस पारे को सुनूंगी भी और इसका रिटर्न टेस्ट भी होगा, इसकी तैयारी साथ साथ कर लीजिए। नहीं फरमाई तो आप अब फरमाए, कल फर्स्ट रुबा जो है पहले पारे का मैं सबसे सुनूंगी, तैयार करके आइए, ठीक है? सिवाय उनके जो नहीं सुनाते, जैसे बिल्की सापा है, मिसेज अयूब है, तो उनकी तो और बात है, बाकी जो रेगुलर है वो सुनाएंगे। जो नए जैसे आप आई हैं, आपने नहीं सुनाना, परेशान ना हो। तो जिसको किसी सबक से कोई दिक्कत है उसकी और बात है, बाकी सब सुनाएंगे, ठीक है? कल तो तर्जुमा सुनूंगी, हाँ कल तो तर्जुमा, जब आपका टेस्ट होगा तो उसमें और बात है, लेकिन कल तो सिर्फ तर्जुमा सुनूंगी, ठीक है? तो तैयार करके आइए और टाइम पर आइएगा ताकि वक्त जाया ना हो। कोई सवाल, कोई बात जो आज आप पूछना चाहें? वैसे कह तो नसरीन सही रही है कि अगले साल तक आपने फिर भूल जाते हैं, अगले साल ही पूछिएगा। लेकिन बहरहाल जी, एहतकाम टूट जाता है ना पाकी से, यानी कि डेज वगैरह आ गए तो टूट गया, एहतलाम वगैरह से नहीं टूटता, उससे अपना हाथ उसे कंटिन्यू कर लेंगे। फिजिकल रिलेशन किया जाएगा तो टूट जाएगा, और एहतकाम की जगह को छोड़ने से टूट जाएगा, बस और क्या, और किससे टूट जाएगा। तो ये वजूहात है जिसकी वजह से थकाव टूट जाता है। अच्छा जी, आप लोगों के मैंने दो ग्रुप बनाए थे और ड्यूटी लगाई थी सबक सुनने की। नसरीन, आपको भी कुछ स्टूडेंट्स मिले थे, क्या हिसाब है उनका? यास्मीन थी दोनों। हाँ, अब आप लोग चाहते सारे ये हैं कि बड़ा काम हो, और जब आप लोगों को कोई काम दिया जाता है तो कोई भी नहीं करता। बनाए थे ना दो ग्रुप मैंने, और स्टूडेंट्स को बांटा था ना, सबक सुनाया आप लोगों ने, और आपको टीचर बनाया था, आपने सुना, फीडबैक दिया। हाँ, टीचर मैं तो देख सुनती हूँ, ये क्या सुनाए तो कितने, नहीं ये कोई बात नहीं, उस्ताद का काम होता है सुनना। अच्छा, वो नहीं सुना रही थी, आपने मुझे बताया। दोनों छुट्टियों पे थी तो हफ्ता बस होती नहीं। हाँ जी, असल बात वही है, असल बात है गैर जिम्मेदारी। आपने तो मुझसे बात की, मैं इंतजार करती रही, इंतजार करती रही, बहुत अफसोस की बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। काम करने के अस्सलाम लिए, वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज होल्ड करें। काम करने के लिए, काम करना जरूरी, वेल विशिंग से काम नहीं होंगे।
तो जब आप इतने छोटे लेवल पर काम नहीं करते तो आप लोगों ने बड़े काम क्या करने। जी कहिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। मैं सलाम। आपकी, हाँ जी, मैं आपकी रेगुलर सुनती हूँ आपको। आपसे एक सवाल पूछना था मैंने। ये सूरह यासीन के मुतलिक कोई कहता है कि इसको डेली पढ़ना चाहिए, कोई कहता है नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी बहुत ज्यादा मसला आ रहा है, ये आप इसके जरा तफसील बता सकती हैं? जी बिल्कुल। सूरह यासीन का रोजाना पढ़ना हदीस से तो साबित नहीं है। अगर कोई पढ़ लेता है तो कोई गुनाह भी नहीं है। सूरह यासीन की फजीलत की जितनी हदीसें हैं सारी जईफ है। और किसी भी हदीस में बहरहाल ये नहीं कहा गया कि सूरह यासीन को रोज पढ़ो। जैसे सूरह मुल्क के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हमारे सामने आता है सही हदीस से कि आयशा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोते। तो सूरह यासीन के बारे में ऐसी कोई हदीस कोई रिवायत हमें नहीं मिली। अब यह है कि अगर कोई पढ़ता है तो गुनाह तो नहीं है, कुरान मजीद का हिस्सा है, लेकिन इसके बारे में ये तसव्वुर कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है ये गलत है, ऐसा कोई मामूल नहीं था, कोई ऐसी हदीस भी नहीं है, और जो फजीलत में हदीस है वो सब जईफ है, ये भी दुरुस्त है। तो कुरान को रेगुलर पढ़ना इससे ज्यादा बेहतर कि हम किसी एक सूरत को पढ़े। लोगों ने चंद सूरतें चुन ली और कुरान को छोड़ दिया, तो कुरान को रेगुलर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। बहरहाल अगर कोई पढ़ता है, जैसे होता है ना, जैसे लेट सपोज आपकी वालिदा हो, उन्होंने शुरू से आदत बनाई है और वो नहीं उनको छोड़ने का दिल करता, तो पढ़ती रहे, कोई हरज नहीं है, कुरान की सूरत है, इस एतबार से तो सवाब होगा। लेकिन बहरहाल सूरह यासीन को जो है पढ़ने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना कोई फरमान है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कोई अमल, तो बनाया तो लोगों ने खुद ही हुआ। तो वैसे पढ़ते हैं कि भाई अब कुरान की एक आदत बनी हुई है तो हम पढ़ते हैं तो गुनाह नहीं है, लेकिन कुरान और सुन्नत से साबित है। ठीक है, तो हुरमत हाँ वाली जी, बात भी थैंक यू नहीं जी। है लेकिन जवाज भी नहीं, इसीलिए अच्छा, ये एक और बात, सब। हाँ जी, जी एक और बात आपसे पूछनी थी, सूरह तस्बीह, नमाज़े तस्बीह के सलाते मुतल्लिक भी जी बताइएगा। हाँ जी, सलाते उसके तस्बीह बारे पढ़ में भी सकते हैं। बताइए। हाँ जी सलाते तस्बीह इसलिए पढ़ सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी ये साबित नहीं, मगर आपका बताना सही हदीस से साबित है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से है और ऑथेंटिक है, यानी कि बिल्कुल सही हदीस है। मुहद्दसीन उसे एक प्लस ग्रेड वाली हदीसों में डालते हैं। तो जो आपका कहना साबित हो गया उसके करने का बिल्कुल करना चाहिए। तो लिहाजा बिल्कुल पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ना साबित नहीं है ये कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं पढ़ना साबित नहीं है, पर आपका हुक्म देना साबित है ना। आपने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो हुक्म दिया कि आप पढ़ें, रोज पढ़ सके तो अच्छा है, वरना हफ्ते में पढ़ लें, वरना महीने में पढ़ लें, वरना जिंदगी में एक बार पढ़ लें, तो वो जो है हदीस बिल्कुल सही। तो लिहाजा जरूर पढ़े, उसमें कोई एतराज की बात नहीं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे। जी और किसी की कोई बात? चलिए फिर आज क्लास अस्सलाम यहाँ वालेकुम, खत्म मेरी करते आवाज? हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला। क्योंकि सूरह यासीन का पूछा सिस्टर ने, तो जी जी मुझे एक बात याद आई कि बड़े साल पहले की बात है, 10-20 साल पहले मेरा कोई मसला, तो मुझे एक बूढ़ी सी आंटी ने कहा कि सूरह यासीन पढ़ा करो, और हर मुबीन जब आए ना, उसमें हर मुबीन आए तो वहां से फिर से आपने रीस्टार्ट करना है, और अगली मुबीन पे फिर रीस्टार्ट, फिर तीसरी मुबीन पे फिर रीस्टार्ट, इस तरह तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो ये तब मुझे हराम ये है। पहली दफा ये बात ऐसी मिसकंसेप्शन है लोगों में। हाँ जी, तो ये प्लीज लोगों को बता दें इसको भी। ये हराम है। देखिए सूरह यासीन का रोजाना पढ़ना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल और फेल से साबित नहीं है। अगर हम कुरान से कोई रेगुलर मामूल बनाते हैं तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होना चाहिए। जैसे सूरह मुल्क है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा कहती हैं कि अलिफ लाम मीम सजदा, सूरह मुल्क पढ़े बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते नहीं, तो लिहाजा ये करना चाहिए क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है। बाकी सूरह यासीन का कुछ मामूल आपने कभी नहीं बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात नहीं साबित। जो ज़ईफ़ अहादीस भी हैं वो सूरह यासीन की फजीलत में है, उसके मामूल के बारे में कोई नहीं है, इनके कोई ऐसी ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन रोज पढ़ते थे, ऐसी कोई हदीस नहीं। अब इसके ऊपर एक चीज और, इसे कहते हैं मुबीनों की यासीन, और इसकी तो बाकायदा छपी हुई यासीने मौजूद है। दो तरह से लोग इस तरह करते हैं, एक ये कि मुबीन पर आए तो वापस चले गए, 7 जगहों पर लफ्ज मुबीन आता है ना सूरह यासीन में, तो हाँ जी, यासीन को मुबीन तक पढ़ा और फिर शुरू से दोबारा शुरू कर लिया। जब बात हो गई ना, आप लोग आपस में डिस्कशन न किया, बाद में किया, मेरी पूरी तवज्जो डाइवर्ट कर देते हैं। जब मुबीन आए तो फिर
फिर यासीन से शुरू करें और इसी तरह बार बार करें, यानी कि हर यासीन पर मुबीन पर करें और इस तरह रिपीट करें। दूसरा तरीका इन्होंने ये बनाया हुआ है, और बल्कि मैंने इसको बाकायदा इस पर छपा हुआ देखा कि पहली मुबीन पर आए तो 7 दफा जो है फातिहा पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, दूसरे मुबीन पर 7 दफा आयतल कुर्सी पढ़े, तीसरे मुबीन पर जो है वो काफिरून पढ़े, चौथी मुबीन पर जो है वो फलक, और फिर पांचवी मुबीन पर नास, और सातवीं मुबीन पर इखलास, इस तरह उन्होंने वो बनाया हुआ। और मुबीनों के अंदर ये चीजें छाप कर ऐड करके उन्होंने छापा था, ये भी मेरी नजर से गुजरा। ये बिल्कुल हराम है, ये कुरान में तहरीफ है, कुरान इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा, ना इस तरह रिपीट करके पढ़ा जाएगा ना ऐड करके पढ़ा जाएगा। यासीन अगर आप पढ़ेंगे भी तो आप पूरी सूरत को इन वन गो पढ़ेंगे और अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे उम्मीद है पूरी होगी, कुरान के साथ दुआ पूरी होती है इंशाल्लाह। लेकिन एक तो यासीन के जो खत्म बने हुए हैं हमारे यहाँ 41 दफा 71 दफा बिल्कुल गलत है, खुद साफ़ता है, कोई हकीकत है। और ये वाले अमल, ये मुबीनों वाली यासीन, ये बिल्कुल हराम अमल है और बहुत गुनाह का बाइस है और कुरान को बदलने के मुतरादिफ है। और यासीन पढ़कर चिट्ठे चुना दे खत्म देना भी खुद साख्ता है, इसकी भी कोई हकीकत है। अगर आपने यासीन पढ़नी भी है, आपको महबूब है, पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है, खुद बैठे और पढ़े। बाकी कुरान की 4 सूरतें, यानी बचपन से ये ट्रेंड हमारे घरों में रहा कि भाई सूरा रख लिया, भाई सूरे में यासीन है, सूरह मुल्क है, सूरह सजदा बिल्कुल नहीं होती थी, ये तो अब इसकी तौफीक आई है, सूरह मुजम्मिल है, सूरह फतह है, और सूरह वाकया है, और सूरह रहमान है, और फिर उसकी उन्होंने खुद साख्ता अमल लिखे हुए, दुश्मनों पर के लिए पढ़ लो, फलाने के लिए ये पढ़ लो, ठिकाने के लिए ये पढ़ लो, और खुद साख्ता अमल बनाए हुए और घरों में उन पर अमल हो रहा है, और कुरान बंद करके रखे हुए। कुरान उस दिन खुलता था जब घर में कोई मरता था। तो ये बिल्कुल गलत है जी, कुरान को रेगुलर पढ़े, बस अपना डेली एक हिस्सा कुरान का पढ़े। और सूरतें वैसे आपको किसी सूरत से मोहब्बत है, आप रोज पढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, पढ़ते रहे, लेकिन ये आप अफाल और आमाल जो है ये कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, ये सारे नाजायज काम और गुनाह के काम, इनमें सवाब नहीं है, गुनाह। खुद साख्ता है, खुद साख्ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाजों में बल्कि छोटी सूरतें पढ़ते थे। वैसे आपको याद है तो आप नमाजों में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ें, आपकी मर्जी है, अपने खुद साख्ता बनाए हुए इन्होंने। बहन कह रही है कि इन लोगों ने इस तरह की बनाए हुए हैं कि फलां नमाज में सूरह नबा पढ़े, फलां में सूरह यासीन पढ़े, वैसे आप कुरान का कोई हिस्सा भी पढ़े आपकी मर्जी है, लेकिन ये अमाल और वजीफों के तौर पर होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सूरतें पढ़ते थे और आमतौर पर आप छोटी सूरतें पढ़ते थे, जैसे सूरह आला, सूरह लैल, सूरह शम्स, बहुत लंबी सूरतें आप फर्ज नमाजों में नहीं पढ़ते थे, लंबी सूरतें तो आप तहज्जुद में पढ़ते थे। तो आप अपनी नमाजों में ये कि जैसे कोई सूरतें याद की हुई है उसको याद रखने के लिए आप अपनी एक रूटीन बना लेते हैं कि भाई मैं फलां नमाज में ये सूरत पढ़ लूंगी, फलां में मुझे याद रहे, वो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई वजीफा है या ऐसा करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब खुद साख्ता मनगढ़ंत बात है। हाँ जी, और दीन वजीफिया का दीन बनाता है। हाँ जी, वो बिल्कुल सही कह रही हैं आपा कि हमने दीन को मुश्किल बना लिया, वजीफे बना लिए, फिर साथ परेशानी आ गई, हूँ वजीफा छुट गया तो हूँ की होएगा, ते ना वजीफा पूरा होने कुछ होना ना छुट्टा ना। हाँ, ये जरूर है कि वाकई जब हम गलत तरीके से वजीफे करते हैं तो फरिश्ते रहमत के चले जाते हैं, शयातीन हम पर गालिब आ जाते हैं और फिर वो बाज़ोकात हमें नुकसान पहुंचाते। तो इस्लाम में तो दुआ है जी, सिर्फ दुआ, परेशान है उठे, 2 रकत नमाजें हाजत पढ़े और अल्लाह से मांग, ये है बस। बाकी वजीफा तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया। एक और चीज है इस्लाम में, जिहाद वजीफा नहीं है। अभी परसों तरसों किसी ने मुझे मैसेज भेजा और फिर उन्होंने मुझे उसका उलामा भी दिया, फिर मैंने उनको उसका जवाब दिया कि जी फलाने आलिम साहब हैं, बड़े मशहूर हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगी, तो वो कहते हैं कि ना सारी उम्मत जो है ना सूरह मुजम्मिल पढ़ेगी फजर के बाद 3 बार फलस्तीन के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि यानी कि ना आप उसको ग्रुप में शेयर कर दो। मैंने माजरत कर ली तो उस पर वो जरा हुई, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरी बात सुने, जब खंदक का मसला पेश आया था ना, मुसलमान हिल गए,
तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था बैग मुजम्मल पढ़ लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिहाद कर रहे। तो जो आपके इनाम ने हाथ मौलवी साहब है, वजन मैन का देखा उनका, उन्होंने कहाँ से जिहाद का फतवा देना, उनके तो पैसे अमरीका से आते हैं, वो कहाँ से जिहाद का फतवा देंगे। जब लोगों से पूछेंगे फलस्तीन के लिए क्या करें तो वो यही कुछ बताएंगे ना। तो ये इस तरह हल नहीं होगा मसला, ये जिहाद से हल है। और जिहाद का नाम लेने पर पता है कितनी पाबंदी है। आपने अर्थरूल ड्रामा देखा है, किसी ने कोई एपिसोड देखी हो? हाँ, मैंने भी उसको थोड़ा सा देखा, जब मैं बीमार थी तो मैंने उसकी चंद एपिसोड देखी। तो उसमें मैंने चीज नोटिस की कि वो कहते हैं हम अपनी रिवायात के लिए लड़ रहे हैं, वो ये नहीं कहते हम अपने दीन के लिए लड़ रहे हैं। और वो कहते हैं ये हमारे जंगजू है, मुजाहिद का लफ्ज इस्तेमाल करता है ना, पाबंदी है ना, पाबंदी है वहां पर, तो पाबंदी है बाकायदा वहां पर। तो कम अज कम वो सेकुलर तो खुलकर हो गए हैं ना, हमारी तरह इस्लामी रियासत नाम रख के तो ड्रामे नहीं कर रहे। वहां पर तो सेकुलर है, वहां तो पाबंदी है। तो वो फिर कहते हैं हम तुर्क हैं, हम नहीं बदलेंगे, वो ये नहीं कहते हम मुसलमान हैं हम नहीं बदलेंगे, इस्लाम का नाम नहीं लेते हुए। हाँ, वैसे वो बीच में अपना नमाज उन्होंने दिखाई, ये चीजें तो आप देखिए इतनी पाबंदी है जिहाद के लफ्ज पर, यहाँ पर भी है, खुलकर नहीं है, अंडरग्राउंड है। लिहाजा इस फलस्तीन के मामले पर आपको इन बातों की तरजीह देंगे, जिहाद की बात नहीं। तो लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, हमारा दीन अमल का दीन है और दुआ कर, काम करो और अल्लाह से मदद मांगो, वजीफे तो इस्लाम में है ही। अल्लाह हमें तौफीक अता करे। कल तैयारी करके आइएगा और कल 10 बजने से 10 मिनट पहले तशरीफ लाइए इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबके लिए आसान कर दे, आमीन। बाकी वो इकबाल कहते हैं चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले पैदा तो करें वैसा कोई कल्बे सलीम। तो अल्लाह हम सबको कल्बे सलीम बता दे, आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।